देवीम गंध्यम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान महु वहीं सिरसा छामी वंते सुदवती काओ सगो तत्सालोच्यम अंगवंग पाहिडे पाहुडे परिमे सुते प्रमाण योग पुवगे चुलिया चैवा सुतत धम्मिकायम सेनच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि सुगई गमनम समाई मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अत प्राणिक आचरण सौद्य प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा अन्न स्थव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। आस्तिक जाओ अट्टू भैया लोग को उठा लाओ। सुजलधि पार गेभ्या सपरमत विभावन पटुमतिभ्या सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण समग्गे पंचव्याचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमिनिया तरंति संसार सायरम गौरम छिन्नंति अट्टकम्मम जम्मन मरणम न पावेंती ये नित्यम मृत्यु मंत्र ओम निरता ध्यान अग्नि ओत्रा खुला साधु क्रिया साध्वा शील प्रावरणा गुण प्रवरणाश मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु माम साध्वा गुर्वा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वंते आयरी वत्ती काओ सुख को तत्सालोच्यम सम्मनाने समदंशन समचारे जत्ताणम पंचव्याचाणम आयरियाणम आयरादि सुदनाणो वदेश्याणम वज्जायाणम तीरेण गुण पालनयाणम सवसाऊणम से अड़िचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि सुगई गमनम समाई मन्नम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुडम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसमय विश्व धर्म की भव्य बंधुओं तत्वों के स्वरूप का व्याख्यान करते हुए जीव को मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो इस हेतु आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वार सूत्र का सृजन कर रहे हैं और चतुर्थ अध्याय में देवों का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। किनका? देवों का। शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान देव नारकाणाम मुपादा इस सूत्र में आपने नारकियों का वर्णन किया था, ये देव कौन होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इसका व्याख्यान कीजिए अथवा जो जीव के रहने योग्य स्थान है
वह तीन लोक आपने बताया था और पूर्व में आपने अधोलोक और मध्य लोक की व्याख्या की थी, ये ऊर्ध्व लोक क्या है कृपया ये भी बताइए। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, तीर्थंकरों की वाणी को गणधरों ने संजोया है और उनके अनुसार मैं कथन कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं। अगर तुम्हें विकल्प हो तुम गौतम स्वामी से पूछो, और गौतम स्वामी कहेंगे ये भगवान महावीर की वाणी में खिरा है, भगवान महावीर कहेंगे वस्तु का स्वरूप है। तीन लोक सनातन है, न किसी ने बनाया है न कोई उसका विनाश कर पाएगा। ऊर्ध्व लोक जो हमने पूर्व में देखा था ढोलक के डमरू के आकार का है, सात राजू ऊंचा है, कितना आकार उसका मृदंग के जैसा है, मृदंग बनती ना मृदंग ढोलक, उसको सीधा कर लो उस आकार का ये ऊर्ध्व लोक है। सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल ऊपर से सौधर्म स्वर्ग चालू होता है, कितना अंतर है एक बाल, सुन सम्यक, समझ में ना भी आए तो विकल्प नहीं, जो है सब सत्य है, इतना तो विश्वास है तेरा कल्याण हो जाएगा। कठिन नहीं है, हम और सरल करते हैं। आज तक हमने ये समझा कि देव होते ही नहीं है, सुन अन्नू बहुत सारे जीव क्या बोलते हैं, बोले देव कोई होते ही नहीं है, फिर उन्हीं को सपने में देव आते हैं। और राजेश भैया पहले बोलेंगे देव होते ही नहीं है, फिर बोलेंगे हमको सपने हमें देव आया था, उसने मार्ग दिखाया था। भाई जिनके वचन पूर्वा पर विरोध से सहित हो उनको प्रमाणित मत मानना रानू, सुन रहा भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा जेल में आ गए। देख बेटा ये साधना के लिए प्रारंभ अवस्था है, यहां आपको एक अनुभवन मिलेगा, पता है आप सबके लिए यहां पर कुर्सी भी लगवाई जा सकती है, कोई कमी नहीं है संस्था के पास, फिर भी क्यों नहीं लगवा रहे हैं। आप इस बात का अनुभव करो कि आपके गुरु कितना परिचय सहन करते हैं, कठिन है कि सरल बैठना, अरे आहारचर्या केस लॉन्च बिहार ये सब छोड़ो, नग्न होना छोड़ो, आप ये देखो कि खाली पालती मार कर बैठना कितना कठिन है, नहीं है। फिर आप सोचो संजय भाई कपड़े उतारना और कठिन है, फिर केस लॉन्च एक भुक्ति, फिर ऐसा नहीं कि तुम बैठ के टिक के छह बार बैठ के खा लो पी लो, जो है सो खड़े खड़े, उसमें अगर छिंगली भी हिली पैर की तो अंतराय, दोनों पैर स्थिर यानी स्थिर आप हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, फिर अंतराय हैं उनका भी ध्यान, फिर इच्छित मिले न मिले तो भगवान जाने कब मिलता है। साधुचर्या सरल नहीं है, इसीलिए श्वेत पट्टामना में 16,000 हैं और दिगंबर आमना में 1600, क्योंकि हीरे कम ही होते हैं। कठिन है सरल है, अगर कठिन होता तो हम लोग कैसे कर रहे होते भाई जी। कठिन नहीं है, कठिन है भाव बनाना, देव पर्याय को प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन है भाव बनाना। जितने लोगों ने भाव बनाए थे वो अभी शिविर में हैं, जितनों ने भाव नहीं बनाए थे वो होके भी नहीं है,
और जिन्होंने भाव नहीं बनाए थे लेकिन बन गए, वो नहीं होके भी हैं। बोल नीरज भाई, सही कि नहीं? किसका उपवास है? नीरज भाई का, संजय भाई, साता है, कोई विकल्प नहीं। यही तो हमारे कर्मों को निर्जरा कराएगी। वैभव ठीक हो, सहन कर रहे हो, यही तो साधना है। ऐसा नहीं लग रहा कि पैर भाग जाए निकल के? किसी को लग रहा है? सबने लग रहा कि नहीं कि कोई कुचर दे? लेकिन दो चार दिन और फिर तुम्हारी आदत हो जाएगी। जैसे सहज सागर जी को आदत हो गई ना हमारी झेलने की, और हमें उनकी ऐसी आदत हो जाएगी। क्यों सहज सागर? मतलब हम तो विनोद कर रहे हैं। चलिए, ये जो ऊर्ध लोक है, सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल ऊपर, यहां कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है ऊपर? सिर्फ देव नहीं रहते, वहां तिर्यंच भी रहते हैं और सिद्ध भगवान भी रहते हैं। तिर्यंच कैसे रहेंगे? निगोदिया की अपेक्षा से। तो ऊर्ध लोक में तीन प्रकार के जीव, एक देव, वो भी देवों में कौन से? सहज सागर जी, वैमानिक। दूसरा एक इंद्री, निगोदिया, और तीसरा सिद्ध। निगोदिया के अलावा वायु का एक जीव भी ऊर्ध्वलोक में है वातवलय की अपेक्षा से, जल का एक जीव भी है। ठीक है, और पृथ्वी का एक जीवों की भी वहां पर संभावना देखी जा सकती है। कैसे? जो बिंब है ना, प्रतिबिंब जिनेंद्र भगवान के, वो किसके हैं? कागज के, लकड़ी के, हाँ, धातुओं के, पाषाण के, रत्नों के, किस किस के हैं? किस किस के हैं? जो ऊर्ध्व लोक में बिंब है वो भी एक इंद्रिय जीव है। चलिए, यहां ऊपर देवों का वर्णन प्रारंभ होता है। नरक का सुन लिया, नरक किस किस को जाना है? कोई है इच्छा है किसी की? घूमाओ, आस्तिक नरक जाना है। अच्छा, मनुष्य लोक में जन्म लेना है? हमको तो देव पर्याय में जाना है। अब देखो, देवों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। देवास चतुर निकाया, देव चार निकाय वाले होते हैं, यानी चार प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, विंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक आदितस्त्रिसु पीतांत लेश्या, आदि के तीन निकाय के जो हैं, कौन कौन से? भवनवासी, विंतर और ज्योतिष, इनकी चार लेश्याएं होती हैं पीत पर्यंत। कितनी लेश्या? क्या हो गया? लेश्या। जो आपके कसाय से अनुरंजित परिणाम है, जो भाव आपके कसाय से मिश्रित हैं, वो आपकी लेश्या बनाते हैं। अट्टू कहाँ है ये? कोई बात नहीं, बाकी साथ वाले और एक मेवा खा रहे। चलिए, कोई बात नहीं, उनकी उपास की साधना है, अनुमोदन करो। चलो, लेश्या, छह प्रकार की लेश्या होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये जीव के औदयिक भावों में विषय निकल चुका है। अब सुनो, जो जीव के परिणाम की लेश्या कब बनती है? जब आपके परिणाम, आत्मा के परिणाम और कसाय, ये दोनों मिलते हैं, तो इनके मिश्रण से जो बनता है वो क्या है? लेश्या। देवों की, कौन से देवों की? प्रारंभ के तीन देवों की
चार लेशें होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। कितनी लेशियां? ओ बेदू इधर आओ, तुम कौन हो? तो ऐसा उदम करके भगवान आत्मा बनोगे? बैठ जाओ। उदम नहीं कर रहा वो, तो भगवान आत्मा है। उदम तो शरीर कर रहा है, वो तो भगवान आत्मा है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, इन सूत्रों को पढ़ लो, फिर विशेषण इसका करते हैं। वे कल्पोपन्न देव जो 16 स्वर्ग हैं उनको कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। और वहां तक के देव, जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं, उनके भेद कर रहे हैं 10, 8, 5 और 12। जो भवनवासी देव हैं 10 प्रकार के हैं, विंतर 8 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं और 12 प्रकार के वैमानिक देव हैं। लोक सार कर्ता आचार्य भगवान देवों के, वैमानिक देवों के 14 भेद भी मानते हैं, लेकिन आगम में और इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए अपन बहुलता से 12 भेदों को ही ग्रहण कर रहे हैं। ये तो हो गए देवों के भेद, इनमें भी होते हैं प्रत्येक देव में प्रभेद। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्षक, लोक पालनिक, प्रकीर्ण काबियोग, किल विकास, चैक्सा, उक्त 10 आदि भेदों में से जो 10 भेद कहे ना, इन सब के इंद्र सामानिक आदि ये 10 भेद कहे जाते हैं। इनका विशेषण आगे बताते हैं। त्रायस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या विंद्रा ज्योत्स का, अब सुनो, त्रायस्त्रिंस और लोकपाल छोड़ दो, ये विंतर और ज्योतिष देवों में नहीं होते। पहला देव भवनवासी, जो भवनों में निवास करते हैं वो देव भवनवासी, जो नाना देशों में ऐसे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जैसे रात को भटकते ना गाड़ी लेकर के, ऐसे भटकते रहते हैं, वो विंतर। फिर ज्योतिष देव, जो ज्योतिर्मय विमानों में, सूर्य चंद्रमा आदि विमानों में घूमते हैं, वो ज्योतिष देव। और उपरिम देव उसके बाद वैमानिक, उनकी वैमानिक संज्ञा रूढ़ी से है, जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक। एक एक देव की कम से कम 32-32 रानियां होती हैं। कितनी? कम से कम, सबसे क्षुद्र प्रकृति का देव भी होगा तो उसकी कितनी देवी होंगी? 32। इस अपेक्षा से 90-95% स्वर्गों में देवियां हैं, 5% ही देव हैं। रिजर्वेशन नहीं, कोटा उनका ज्यादा है। लेकिन सुनो, कुबेर का नाम सुना ना, कुबेर इंद्र, कुबेर इंद्र की कितनी होती हैं? 3.5 करोड़। कक्का किताएं देख रहे, 3.5 करोड़ कुबेर की इंद्राणी होती हैं, देवियां हैं। ना ताजुब दर्शाओ, लेकिन तुम ध्यान रखना, कहीं तुमने पंच कल्याणक में कुबेर बना लिए तो 3.5 करोड़ मांगेगा इंद्राणियां। अरे एक जगह हो गया भैया, सुनो सुनो राजेश भैया, एक जगह सौदर्मेंद्र की चली थी बोली पंच कल्याणक की, अब वो गांव में कोई 2 लाख की ना ले, वहां बोली चली 2, 4, 6, 8। अब बहुत सारे लोग बोली तो ले लेते हैं, डॉक्टर साहब बाकी पचा जाते हैं, फिर जोश जोश में लोग चढ़ा चढ़ा के दिलवा देते हैं बोली, बाद में बेचारा पछताता है, तो बाकी सेटलमेंट होता है। ऐसा काम नहीं करना भैया। कक्का अब तुम सुनो, लेकिन तुम्हारे पास एक आई थी उस समय, सुनो डॉक्टर साहब, उसने एक लड़के ने लगाई बोली, पैसे वाला था, उन्हें लगवाई बोली, 11 लाख रुपए की सौदर्मन की बोली गई,
15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात है, हम ब्रह्मचारी थे, लेकिन बोली हो के बोला वो खड़े होकर के, देखो भैया 11 लाख तो हम आपको सामयिक को देते हैं, लेकिन इंद्राणी तुम्हें ढूंढ के देना पड़ेगी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो बोले इंद्राणी तुम ढूंढ के दो, 11 लाख तुम अभी रुको, फोन लगाते 15 मिनट में आते। और उसका नहीं हो रहा था ब्याह। भैया ऐसे लोगों की बोली मत कर लिए पक्का, तुम कुबेर की बोली कर लो, पहले बोल देना भैया अपनी इंद्राणी साथ मिला, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हम कपड़े देंगे इंद्राणी नहीं देंगे, पद देंगे पद, चलो हैं? कुबेर एक ही होता है, और वो भी एक भवतारी होता है, सौधर्म इंद्र का द्वारपाल होता है, लोकपाल। सुनो ये हो गया, आपने जो चार प्रकार के देव पढ़े वो, अब इनके भेद जो अपने पढ़ा ना, इंद्र सामानिक, देखो भाई पेपर की तैयारी भी करना, तत्वार सूत्र से भी पेपर होगा, गणधर वाले से भी पेपर होगा, सुबह के प्रवचन से पेपर होगा, एक ही भाव स्तोत्र से पेपर होगा, नहीं नहीं प्रतिक्रमण छोड़ दो। सुनो सरल पेपर है, तुम भी दोगे ना रानू 60 तो आई जाएंगे, 60 आएंगे तुम्हारे पक्के में, 100 में से सरल है पेपर, आस्तिक पेपर सरल, लेकिन पढ़ाई करना बेटा, कुछ भी आ सकता है, इसलिए याद करते रहो, सूत्र भी याद करते रहो, कुछ भी आ सकता है डॉक्टर साहब, कुछ भी आ सकता है, सब बताएंगे तुम्हारे लिए। अरे चतुरे बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी बड़े चतुरे होते भैया तुम्हारे जाके, कक्का मालूम क्या पूछेंगे, भैया इतने जला ले आग, इतने जला ले, ये कोई माता का उपास खंडित हो गया, महाराज जी उपास कहलाएगा कि नहीं, आप बोल दो, मतलब खंडित हो गया तो हमारे ऊपर पाप, और पुण्य लगे तो तुम्हारे लिए, उन्हें पता नहीं है, उनने एक ही कुएं का पिया है मोरा जी के, हमने घाट घाट के पिए हैं, फिर अपन मालूम क्या बोलते हैं कक्का, ठीक जैसा आपको ठीक लगे, अब तुम समझ लो। जो इंद्र होता है वो राजा के समान होता है, कैसा, और जो सामानिक होता है वो पिता गुरु या उपाध्याय समझ लो आप, उसके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं है लेकिन उसकी आज्ञा नहीं चलेगी, इंद्र और सामानिक दोनों में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है लेकिन आज्ञा नहीं चलती, आज्ञा चलती है इंद्र की, जिसकी आज्ञा चलती उसको अलग आनंद आता है, बोलो सहज सागर जी सही कि नहीं, जिसकी आज्ञा नहीं चलती वो भी क्यों ना हो लेकिन आनंद थोड़ा सा, पूछो आप सासू माँ बन जाने के बाद क्या आनंद आता है, सास बनने के बाद जब ऑर्डर चलाने मिलता है तब माँ कितना आनंद आता है, और जब बहू बन के ऑर्डर लो तब अंतर है कि नहीं, ऐसे ही अंतर है, सुन ले आबू, आनंद है आज्ञा का, एक अंदर की आज्ञा सम्यक, आज्ञा सम्यक, एक बाहर की आज्ञा, तू घर में बोल देना ऐसा होना है, सब सिर के बल खड़े हो जाएंगे तेरे घर में, बोल दे है कि नहीं, और एक दिन कोई ने उल्टा जवाब दे दिया फिर आबू हो गए बेकाबू। त्रायस्त्रिंस, ये मंत्री और पुरोहित की तरह होते हैं, 33 कितने, देखो कुछ हो ना हो ये हमारी गारंटी डॉक्टर साहब, 3-4 लोग तो ठंडे मिलेंगे आपको चातुर्मास के बाद, हमें तो पूरा विश्वास है, उनके घर के लोगों को हो ना हो हमें है, अभी पानी डल रहा है, डल रहा है धीरे धीरे, मिट्टी नरम हो रही है। पारिषद, जैसे मित्र होते ना सदस्य, ऐसे पारिषद कहलाते हैं, आत्मरक्ष वो अंग रक्षक जैसे होते हैं, कैसे रानू जैसे पहलवान अंग रक्षक जैसे, अब बताओ वहां युद्ध तो हो नहीं रहा कोई स्वर्गों में, तो अंग रक्षक की क्या आवश्यकता, ये वैभव है, क्या है ये वैभव है। लोकपाल ये होते हैं कोतवाल की तरह, FIR लिखने वाले हैं, वहां होता कुछ नहीं है, वहां ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की देवी उठा के ले जाए, वो तो सोचता है भैया तुम भी ले जाओ हमारी इतनी सारी करेंगे काम,
सोच ले आबू, हैं? टेंशन नहीं है अभी तुमको बता रहे हैं, उधर टेंशन हटाना उसका उपाय बताते हैं। सुनो इधर देखो, अभी लोकान देख देवाने वाले हैं आगे, वो टेंशन फ्री होते हैं। अनीक जो सेना के समान होते ना वो अनीक कहलाते हैं। प्रकीर्णक नगरवासी, जैसे तुम्हारे सागर की गलियां नहीं है, पता नहीं कहीं मुड़ जाए, रोड चल रही सीधी और झटके में सामने मकान आ जाए, जाओ चक्रा घाट, ऐसा चितिर बितिर इधर उधर फैले हुए हैं, व्यवस्थित नहीं है, वो क्या है? प्रकीर्णक। इकड़े तिकड़े इल्ली अल्ली, आभियोग, जो बेचारे देवों को हाथी घोड़ा बनना पड़ता ना जिन देवों को, वो कहलाते हैं आभियोग जाति के देव। सौधर्मिंद्र आज्ञा करता है जाओ हाथी ऐरावत बन जाओ, बेचारे आ गए बन के, सोचो उनको कितना दुख लगता होगा, उनकी देवियों के लगता हो किसकी बने हैं हम, नहीं पक्के में लगता है उनकी देवियों को भी ऐसा होता कि बताओ हम कौन पगला को फंसे हैं। किलविसिक जो चांडाल आदि की तरह होते हैं वो क्या होते हैं? किलविसिक। देखो एक बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है आदि पुराण में, भगवान देखो राजेश सुन लो फिर मिलेगा नहीं, भगवान ऋषभ देव की दीक्षा की वो पालकी जा रही थी, ठीक वहां बीच में बेंतर जाति के देव धक्का मारते हुए भग रहे थे, यहां वहां घूम रहे थे, सहसागर याद है आदि पुराण में हरिवंश पुराण में स्पष्ट आया, तो वो धक्का मारते हुए लोगों को देवों को धक्का मारते हुए यहां वहां बीच से भग रहे थे, कौन? बेंतर जाति के देव। अब तुम समझ लेना कैसे होते हैं, तुम सभा में बैठे हो ना, फिर तुम्हारे और आस्तिक के बीच में आके बैठे हो, किसको किसको, अरे भैया इतनी जगह पड़ी वहां बैठ जाओ ना, नहीं नहीं हम उतर ही बैठ रहे, तुम चल रहे हो यात्रा में धक्का मार के निकल जाए, समझ लो वहां से आए हैं या जाने वाला है, बोलना कुछ नहीं तुम समझ लेना। ऐसे होते बेंतर, कोई को भी चेंट जाते हैं, लेकिन चेंटते किसको है? जिससे राग होता है या जिससे द्वेष होता है, है? तुमको लगे तो आ जाना, हमने भगा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमको तो देव लगा कि देवी, देव तो भगा लेंगे हम तुम्हारे, देवी नहीं भगा पाएंगे अंदर की, सुन रहे संजय, बेंतर लग जाए तो भगा दे हम तुम्हें, लेकिन तुमको मनुष्य जाति की बेंतर लग जाए वो हम नहीं भगा पाएंगे, हैं? वो तुम्हें ही भगा पाओगे, कक्का तुम्हें लगी कि नहीं, बोलो आप काहे नहीं बोल रहे हैं, तुमसे कि तुम ही भग जाते हो डर के मारे, पूरी नहीं बता जी, बहुत होशियार आदमी है कक्का, कैसे होशियार, सुनो सहसागर जी, एक लोमड़ी गई खेत में, सांप की लोमड़ी देख रही थी, गई बड़ी अंगूर का अंगूर अंगूर की खेत था, बहुत देर तक उसने प्रयास किया अंगूर खा नहीं पाई, क्या बोली आके, अरे अंगूर खट्टे कई इसलिए हमने नहीं खाए। सुनो कक्का चालाक नहीं बनो, जे बोलो काकी ने खिसका दो, चलो जाओ शांति से, देख रहे अभी भी 55 साल बाद भी कितना डर है जीव को, कोई बात नहीं है, समय का फेर है, कभी तुम हमें बाजू में बैठ के बोलते ए खिसक, सबके दिन एक से नहीं होते। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? जो भवनवासी और व्यंतर हैं वो अधोलोक और मध्य लोक में रहते हैं, जो प्रथम पृथ्वी है उसके जो तीन भाग है उसके प्रथम भाग तक भवनवासी और व्यंतर रहते हैं, और ये जो मध्य लोक है ना ये व्यंतरों का कीड़ा स्थान है, खेलने का स्थान। त्रिलोक सार त्रिलोय पंडित ग्रंथ में लिखा है कि मध्य लोक में मनुष्यों की और देवों की संख्या कितनी है, तो एक मनुष्य के ऊपर 1000 देव इतने बनेंगे, मतलब एक मनुष्य होगा तो 1000 देव होंगे, देवों की संख्या 1000 गुनी है, किससे? मनुष्यों से। अभी आप जहां बैठे हो ना यहां भी बेंतर जाति के देव घूम रहे होंगे, लेकिन आपसे उनको कोई प्रयोजन नहीं,
तो उनको भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं। नहीं छेड़ोगे तो वो अपने में, तुम अपने में, और छेड़ दिया फिर छोड़ेंगे नहीं। रानू, बिंतर जाति के देव भी होते हैं, वो पीड़ित भी करते हैं। नीरज भाई नहीं सुना कभी? वो पीड़ित भी करते हैं। एक छोटी सी कथा सुना के आगे चलते हैं। दुर्ग की घटना है, दुर्ग की, तुम्हारा बिक्की है ना, बिक्की, उसके मित्र की घटना है। वो अपने मित्र के साथ घूमने निकला डोंगरगढ़, तो उसके दोस्त ने रास्ते में रुककर बरगद के पेड़ के ऊपर ही बाथरूम करी। अब छत्तीसगढ़िया है, वो बोलते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। उसने पेड़ में डिजाइन बना बना के लघु संख्या करी, उसको बिंतर लग गया। अब उस दिन, उस समय के बाद से वो लड़कियों जैसे बोले। जब लड़कियों जैसा बोले तो उसको लगा कि मजाक कर रहे हैं। रात को घर पहुंचा वो, और फिर जब बिखर गया, उसके भाई ने उसको बाद में बुलाया, उसके मित्र को, भैया देख जरा क्या हो गया, दोनों हाथ दोनों पैर बंधे और पूरे घर को घुमा रहा है। तब मालूम चला कि इसको बेंतर लगे। जैसे ही उसने देखा, इसको चक्कर आ गए, मेरे दिन भर किसके साथ थे। तो आप उनको पीड़ित करोगे तो वो भी आपको पीड़ित करेंगे। अथवा कुछ होते हैं रागवश, जिनकी अकाल मरण हो गया, वो भी वेंतर आदि बन के लोगों को परेशान करते हैं। इनके जबलपुर में एक रानी ताल है, वहां एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, सत्य घटना है। सेठ सागर जी, कहानी कहां से लाते हैं? कहानी कहीं से नहीं लाते, ये सब कहानियां चल रही हैं। आप क्या करते हो, सुन के निकाल देते हो। हम एक एक समय जी के जीते हैं। डॉक्टर साहब, वहां एक लड़की का हो गया एक्सीडेंट, अब वो मरण हो गया उसका, वो बन गई विंतरी। अब एक लड़का वहां से निकला, वो बोलती है भैया हमारे को घर तक छोड़ दो, हमारा घर यहीं पास में है विजयनगर में। बेचारा लड़का सीधा साधा था, उसने कहा हो दीदी बैठो, बैठा के ले गया उसके घर तक ले गया। अब वो घर जाके बोलती है हमारे पिताजी को नीचे बुला लाओ। बोले पिताजी को नीचे बुला लाओ? बोले हाँ हमारे पिताजी को नीचे बुला लाओ। बोले दीदी हम लेट हो रहे हैं, हमें घर जाना है, आप चले जाओ। बोले नहीं हमारे पिताजी को ले आओ। अब ऊपर पहुंचा पिताजी को, भैया आपकी बेटी नीचे खड़ी बुला रही है। पिताजी ने कहा भैया चाय पियो। अब बोले समझ में नहीं आ रहा, बोले खानदानी पागल है, ले बेटी नीचे खड़े होकर बुला रही हो, पिताजी कह रहे चाय पियो। चाय पिलाया थोड़ा, तो ठंडा किया, फिर फोटो दिखा के, तो यही थी। बोले यही है? बोले बेटा इसको 3 साल पहले मर चुकी है, तुम्हारे जैसे कई लड़के आए इसको छोड़ने के लिए, तुम जाओ। वो लड़का 7 बजे के बाद घर से नहीं निकला उस दिन से। ऐसे बेंतर परेशान करते हैं। कुछ होते हैं जो ज्यादा करते हैं, तो वो भगवान पारसनाथ के ऊपर जैसे उपसर्ग हुआ ना कमट का, कुलभूषण देशभूषण महाराज पे उपसर्ग हुआ, ऐसे उपसर्ग भी करते हैं। ये रानू सत्य घटना है। और चलो सुनो, देखो जो बचा सो फोड़ रहे आचार लोग, बड़े बड़े फुग्गे फोड़ते, जो बचा सो हम फोड़ लेते हैं। सुनो रानू, सत्य घटना है। और इन सारे बिंतर भवनवासी देव जो पीड़ित करते हैं, कल्याण कारक नाम का जैन ग्रंथ है, उसमें सारी विधा लिखी है। हर किसी का इससे काम नहीं बनता, कोई भारी पड़ गया तो तुम्हारी भारी पड़ जाएगी। कभी दबाने से पहले सोच लेना, पहले शक्ति रखना फिर करना। कल्याण कारक ग्रंथ में इनके लक्षण दिए हैं कि किसको कौन सा देव पीड़ित कर रहा है, पूरे लक्षण दिए। किसी को नृत्य पसंद है तो उसको कौन सी जाति का देव लगा, तो आज संजीव ने कुमकुम उनके बेटे को लग गया था, इंदौर में फिर ठीक हो गए। लेकिन आना मत भैया, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन रानू तुम्हें लग जाए देव बेंतर तो हम उतार देंगे, मनुष्य जाति की बेंतरी नहीं उतार पाएंगे हम। चलो, ज्योतिष जो देव है वो मध्य लोक में रहते हैं, और वैमानिक देव ऊर्ध लोक में रहते हैं। कौन से कितने सूत्र हो गए भैया? है 5, 4 कौन कह रहा है?
अब सुनो, पूर्व योर दु इंद्रा, प्रथम दो निकाय के दो दो इंद्र होते हैं, भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र होते हैं। जो अपने दस भेद पढ़े ना, भवनवासी के दस, व्यंतर के आठ, इन सब में दो दो इंद्र होंगे, एक इंद्र और दूसरा राजकुमार की तरह प्रतिंद्र, ये तुम्हें पसंद है ना राजकुमार जी, ऐसे ही। हैं? कोई बात नहीं, तुम राजकुमार हो ना, ऐसे देव भी होते हैं, एक तो मुख्य देव, एक उनके साथ राजकुमार की तरह जो रहते हैं वो इंद्र। सुन बेटा, जो तू कल पूछ रहा था ना प्रश्न कि लोग हमारे लिए क्यों व्यवस्था कर रहे हैं, सुन, पूर्व भाव में वो तेरी मां रहे होंगे पक्के में, उनको आज भी तेरे प्रति अनुराग आता है तो तुझे ले जाते हैं, तेरे लिए भोजन ले आते हैं। जिनके प्रति अनुराग नहीं होता ना, उनको चौके में पूछते भी नहीं है। फिर कितनी सारी हो गई भैया, तुम गिन नहीं सकते, तुम्हारे पड़ोसी है ना, वो तुम्हारी मां बन चुके हैं और तुम उनकी मां बन चुके हो, समझ गए? तुम तो प्रद्युमन कुमार जैसे लगते हैं हमारे लिए। काय प्रविचारा ऐसानात, डॉक्टर साहब उस बच्चे के भाव देखो, वो क्या बोल रहा था चौके में, पापा अपना कुछ नहीं है क्या आज, ज्ञानी है कि दूसरे के चौके में हार नहीं देना पड़ता, अपने द्रव्य को लेके जाते हैं, ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, समझे आप? हमारे दोनों कान खुले रहते हैं बिल्कुल टाइट। काय प्रविचारा ऐशानत, ऐशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार करते हैं, जैसे मनुष्य मनुष्यनी के साथ भोग करते हैं ऐसे ही विषय सुख का भोग करते हैं, कौन? ऐशान स्वर्ग तक के देव, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, शेष जो देव हैं मतलब द्वितीय स्वर्ग से ऊपर के देव, उनके लिए कह रहे हैं वो स्पर्श से, सिर्फ स्पर्श करके उनको संतुष्टि मिलती है, रूप देख करके उनको संतुष्टि मिलती है, उनका शब्द सुन के संतुष्टि मिलती है और मन में विचार करने से भी उनको संतुष्टि मिलती है। ये ऊपर के देवों का विषय है, कौन से? द्वितीय स्वर्ग से लेकर के सोलहवें स्वर्ग तक के। परे प्रविचारा, बाकी उनके ऊपर के देव विषय सुखों से रहित होते हैं, त्याग नहीं होता, उनके विषय सुख की आकांक्षा नहीं होती। सुनो भाई सहलो, केवल काय प्रविचार से ही भोग नहीं होता, स्पर्श से भी भोग हो जाता है। आपने हाथ पकड़ लिया, उतने में संतुष्टि मिल गई, अथवा रूप, किसी का चेहरा देखकर आपको संतुष्टि मिल रही है, सुन सम्यक बेटा, ये भी व्यभिचार है। अपन ने किसी का चेहरा देखा, संतुष्टि मिल रही है, डॉक्टर साहब अनुभूत होगी नहीं, सब अनुभूत हो, आप विषय लगाना, शब्द घंटों घंटों लगे रहते कि नहीं फोन में, क्यों आकाश? तुम नहीं, तुम भी हो मतलब, और जो भी हैं अड़ोस पड़ोस वाले जो भी हो मतलब, बिट्टू, आदेश, अनु, रानू, नहीं जो लगे रहते थे या हो, जो भी हो, सुनो आर्यन, शब्दों से भी जीव प्रविचार करता है, मन को संतुष्टि मिलती है, नहीं मिलती? क्यों आस्तिक, मम्मी से बात करी, करोगे तो संतुष्टि मिलती कि नहीं? अभी जाके तुम लिपट के रोगे एक बार पक्के में उनसे, अरे पक्का तुम देखना जाओगे तो मिलना हमसे, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, दोनों रोएंगे, कोई बात नहीं, उनसे बोलना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस दीक्षा की। आप भी रोगे क्या? आप कह रहे दोनों रोएंगे, अच्छा बे और उनकी माँ, अब आपके तो आंसू ही सूख गए, अब क्या रोगे? चलो आगे कह रहे हैं, मन से प्रविचार, मन में विचार करके भी जीव अपने परिणामों को अशुभ कर लेता है, बोलो ऐसा होता कि नहीं? इसीलिए देवों के साथ साथ मनुष्यों में विषय लगाना, ना प्रविचार करो, ना स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार करो,
ये दुख का ही कारण है, सुख मिलता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, सुख मिलते ही नहीं है, फिर आदमी फिर वापस वहीं भटक के आ जाता है। लौट के बुद्धू, फिर लेकिन जब लौट के आ नहीं है तो काहे भटको, सत्य की नहीं, क्यों मां समाधि करना ही है, फिर बीच में झमेला क्यों? कोई बात नहीं, अब मचा लिया है तो अब समेट लो, लेकिन लक्ष्य नहीं भूलना। परे प्रविचारा, और यहां बता रहे हैं कैसे कैसे कहां के देव प्रविचार करते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे स्वर के प्रविचार से तीसरा चौथा स्वर के देव जो हैं वो स्पर्श से, रूप से पांचवे से आठवां, नौवे से बारहवें स्वर तक के देव शब्द सुनकर के प्रविचार, उनको इतने में संतुष्टि है। जितने ऊपर उठते जाते हैं ना उतने भोगों की आकांक्षाएं कम होती जाती है। और तेरहवे से सोलहवा स्वर तक के देव सिर्फ मन में विचार करते हैं देवी का और उनकी इच्छाएं समाप्त। अरे खुशमत हो अन्नु बेटा, तुम अनंत बार ऐसी देव पर्याय को प्राप्त किए हो, लेकिन क्या है सब भूल गए। आगे चलते हैं। अब यहां पर जो अपन ने भेद पढ़े ना दस प्रकार के, अब वो भेद सुन लो। जो बेंतर आदि चैंटते ना वो भेद सुन लो। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितो तजिदीक दिक कुमारा, ये देखो देव बनते कैसे पहले ये सुन लो, फिर अपन देवों के भोगों की चर्चा करेंगे। वहां पर शाश्वत कल्प वृक्ष है कक्का, स्वर्गों में कल्प वृक्ष है, सबके अपने अपने विमान है, परिवार है, और सभी देव जिन बिंब की ही आराधना करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव उनको कुल देवता मानते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, और जो सम्यक दृष्टि उन्हें अरियंत परमिष्टि मान के पूजा भक्ति करते हैं। एक देव जैसे जाता है उसकी जगह दूसरा देव आता है और देवियां उसको अपना पति स्वीकार लेती हैं। अब बोलो वहां व्यभिचार का दोष नहीं लगता, ऐसी वहां की व्यवस्था है। और डॉक्टर साहब, स्वभाव मार्दवम चा सम्यक्त्वम चा और सराग संयम संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तप, एक और हेतु किसका, देव गति का, निशील व्रत तुम च सर्वेशा, इन हेतुओं से आप देव बन सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं, सम्यक दर्शन रहा तो नियम से वैमानिक देव बनोगे, देवी भी नहीं बनोगे, क्या बनोगे देव। सम्यक दर्शन रहा तो किंचित भी आपके अंदर, किंचित भी आपके अंदर अगर मिथ्यात की परिणति रही तो वैमानिक पद नहीं मिलेगा, फिर बनो बेंतर चचुंदर। कठिन है डॉक्टर साहब, सागरों की आयु पल्लियों की बचती है। जैसे अब तुझे एक लाख करोड़ का फायदा होने वाला था, कितने का, ठीक, और अठन्नी में निपट गए, कितना अंतर हो गया, सुन समझे, एक लाख करोड़ का फायदा होने वाला था, मिले कितने, अटन्नी, कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे ही जिनने सम्यक की विराधना कर ली वो यहां जाके ऐसे बनेंगे बेंतर चचुंदर। फिर भी बेंतर उनसे तो ठीक है, नारकियों से तो ठीक है, लेकिन बनना नहीं भैया वो आस्तिक, अपन को तो लोकांतिक देव बनना है। कौन सा, असुर कुमार नाग कुमार ऐसे दस कुमार के भवनवासी, किन्नर किम पुरुष महुरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, बेंतरा बेंतर देव आठ प्रकार के, किन्नर किम पुरुष, किन्नर इन्हें नपुंसक नहीं हो गए, किन्नर जाति के, इनको नाच गाना पसंद होता है, जिनको नाच गाना खूब पसंद हो और मिथ्यात के साथ मरण किए वो किन्नर जाति के बेंतर बनते हैं। इसलिए भैया ना नाचो ना देखो, क्या करो,
जो सुबह ध्यान कराए थे ना, उसी ध्यान में झूमो। सिद्धो हम बुद्धो हम सिद्धो हम। अरे डॉक्टर साहब, दुनिया की आप धुनें याद करते हो, ये धुन को गुनगुनाओ ना, आनंद आता कि नहीं? एक धुन अभी आपको बताएंगे हम, बहुत सुंदर धुन अभी आने वाली है, बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज आने वाली है। आपको अगली बार ये लगेगा कि कुछ हो जाए शिविर, ध्यान का लगेगा तब अलग से आ जाएंगे। कक्का तुम तो ध्यान का अलग से शिविर लगाना। किसका? कछु नहीं, सिर्फ ध्यान करो, अपने घर जाओ, ओम शांति, फिर देखो आनंद आएगा, जीव कैसे हल्का होता है। किम पुरुष महोरग गंधर्व, जिनको नाचना पसंद है वो किन्नर जाति के, जिनको सिर्फ गाना गाना पसंद है वो गंधर्व जाति के। यक्ष, जिनको वृक्ष आदि में रहना पसंद है वो यक्ष। राक्षस, राक्षस समझते हो न, स्वयं सुखी रहे न रहने दे, वो राक्षस। और भूत, जो मतलब विनोद बस, कीड़ा बस, कुछ भी करते रहो तुम बैठे हो उल्टा करके निकल जाएगा, ऐसे भूत जाति के, फिर भी कीड़ा बस करते। और पिशाच, ये सबसे नीच कोटि के होते, बाथरूम आदि तक में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको वही स्थान पसंद आता है जहां गंदगी हो, कचरा हो, तुम्हारी क्या बोलते हो उसको, बुंदेलखंडी में घूरा हो, वही पसंद आते हैं इनको। कौन जीव जाते हैं? जो बेचारे वहीं पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आहार के बाद देखा आपने, अपन जैसे ही आहार देकर आप निकले, सामने क्या चल रहा था? नहीं देखा क्या? देखा बेटा, आप पुण्यात्मा हो, आपके हाथ में जिनवाणी है सैलू, उनसे पूछो जो बेचारे नाली में से कंकड़ बीन रहे, चांदी की ठिप्पियां उखाड़ रहे हैं, उनसे तो पुण्यात्मा। ऐसे जीव अगर मरण करते हैं भद्र परिणाम से, तो भूत पिशाच जाति के देव बनते, उनको वहीं मजा आता है। सुन रहे, तुमको मुकुट पहनना पसंद आता है कक्का, तो मुकुट बद देव बनना, लेकिन सम्यक दृष्टि रहे तो। हमारे ऊपर गुस्सा किया तो फिर जानना, तुम देखना हम ऊपर से देख के बोलेंगे, देखो तुम नीचे हम ऊपर, ध्यान रखियो। और बढ़िया समाधि करके गए तो ऊपर तुम हमारा इंतजार करियो, हम भी आ रहे हैं, फिर साथ में अपन नंदीश्वर दीप की वंदना करेंगे, तुम रहना नेता, हम पीछे पीछे चलेंगे, सही कि नहीं है? भाई जो इधर है नेता वो उधर नेता, लेकिन ध्यान रखना उनसे बड़े हम मोक्ष मार के नेता, सोने हमारे साथ चलना पड़ेगा। हैं? हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे? एक मिनट, भरत की आयु ज्यादा थी, बाहुबली की कम थी। भरत चक्रवर्ती की आयु 84 लाख पूर्व की थी, और भगवान बाहुबली को उनसे पहले केवल ज्ञान हो गया था, उनके पीछे डोरे फिरत थे हाथ जोड़े जोड़े, कौन? भरत चक्रवर्ती, समझे कि नहीं? अरे कैसे ही हो, चले गए कि नहीं गए? तुम तो ऊपर पहुंचो, हम आ रहे हैं, व्यवस्था करेंगे, मतलब कल मत चले जाइए, अभी तो चतुर्मास होने दो, अभी तो तुमको पूरी दो नहीं 4-24 देखने। ये व्यंतरों के भेद हैं। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्चा, इस सूत्र को बहुत आराम से गंभीरता सुनना। जो ज्योतिष जाति के देव हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, इनके भेद से 5 प्रकार के हैं। जिन आगम में 9 ग्रह नहीं है, जिन आगम में 5 ही ग्रह हैं। सहज गिना दो कौन कौन से चाहिए हैं? हमको तो नक्षत्र चाहिए, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, और कितने हो गए? 5 हो गए। ये 5 ग्रह माने गए हैं जिन आगम में, 9 ग्रह नहीं माने गए। हाँ 9 देवता होते हैं जिन आगम में, बनाओ तुम नवग्रह मंदिर,
फिर तुम करो सम्यक की विराधना। तीर्थंकरों की शक्ति में तुम प्रभेद मत करो, चाहे भूत की हो चाहे भविष्य के वर्तमान के, कोई भी तीर्थंकरों शक्ति सब में एक सी है। डॉक्टर साहब सब में शक्ति, अब आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुनि सुब्रत नाथ की मत करो, नहीं तो कक्का सबसे पहले 24 योनि की बुक होती है। बोले भैया मैं काल सर्प लग, बोले पारसनाथ, बोले नाम चलेगा अपने, बोले महावीर स्वामी पहले आदिनाथ। अरे भैया धर्मनाथ भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, कुंतुनाथ भगवान कोई पूछते ही नहीं है, अनंतनाथ भगवान बेचारे तो कहीं है ही नहीं। भाई जी तुम तो विकल्प मत करना, अपन को तो 24 अपने इष्ट है। तीर्थंकर बनना है तो सभी तीर्थंकर, तुम तो पूरे त्रिकाल 24 ही कर लो और बचे 20 भी दे के वो और कर लो, सब कंप्लीट, अपने लिए पूरी पोस्ट खाली, कहीं भी निकल चलेंगे अपन। तुम भगवान विराजमान करो, हम देंगे संस्कार, तो ही अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तुम विदेह क्षेत्र बन जाना, मैरावत क्षेत्र बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, बहुत जगह खाली है। कक्का तुम कक्का तो कुबेर बनेंगे, व्यवस्था करेंगे अपन सबकी। फिर बोले हम व्यवस्था करके हरे पीछे से पहुंचो तुम। चलिए और सुनो, ये सूर्य चंद्रमा आदि विमान कहाँ है। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से लेकर के 900 योजन तक वर्तमान में किसी भी प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक चंद्रमा में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पहले उसको सूर्य मिलेगा, पहले सूर्य फिर चंद्रमा। अब सूर्य के पास तक पहुंचोगे तो बचोगे कैसे, और सामान्य नहीं है 790 योजन। सबसे दूर कोई है तो सहसागर जी कौन है, तारे। और फिर ग्रह नक्षत्र दूर होते जाते हैं, अभी जो तुम्हारे विमान जा रहे ना ये सब स्टूडियो में ही उतरते हैं। हाँ 790 है, किताब में क्या लिखा आपके, उसको 90 कर लो। 790 योजन से प्रारंभ होता है, 110 योजन तक इन ज्योतिर्विमानों के स्थान है। ठीक है आगे चलते हैं भैया, कौन सा सूत्र है वो सहज सागर जी, सुनो ये देवों के विमान क्या करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य कृत्यो निर्लोके, ज्योतिष देव जो है ना मनुष्य लोक में जो सुमेरु है ना उनकी प्रदक्षिणा देते रहते हैं, घूमते रहते हैं उन्हीं के पास। देखो आज का नहीं, 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी महाराज लिख गए, जब आपका विज्ञान नहीं था। सूर्य चंद्रमा के विमान घूमते हैं, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी नहीं घूमती आज तक, घूमता क्या है ये वैज्ञानिक लोग कहते, तुम पेपर में तो लिखाओ लेकिन श्रद्धा मत करना। 1947 के पूर्व तक भारत के इतिहास में कभी भूभ्रमण को पाठ्यक्रम में नहीं लाया गया था, अब पाठ्यक्रम में आ गया, बेचारे आपके बच्चे भगवान की भक्ति करते हुए मिथ्यात्म में है। और सुनो अगर पृथ्वी को आप घूमना मानते हो, डॉक्टर साहब कितनी तेज घूमती है, एक पृथ्वी इतनी तेज घूमती है कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है, मानते ना वैज्ञानिक। अब हमारा प्रश्न है, तो आप फालतू में मेहनत करते हो, विमान को ऊपर उड़ाओ हवा में और रात भर रुक जाओ सुबह उतर जाना, पृथ्वी तो घूम रही ना नीचे से, आकाश तो नहीं घूम रहा ना, बस क्या दिक्कत है। आप वो गुब्बारे होते ना गैस वाले, वो लेके अपनी छत पे ऊपर चढ़ जाओ, कहां तुम 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाओगे। राजेश भाई ऐसा कहीं होता नहीं लेकिन। और सुनो जो रेल की पाते बिछाई जाती हैं वो सीधी बिछाई जाती हैं कि गोल, सुना आर्यन, जो रेल की पाते होती ना वो सीधी बिछाई जाती हैं, गोल नहीं की जाती। माना कि पृथ्वी को आप बॉल जैसा गोल मानोगे तो हर 10 किलोमीटर के बाद 15 फीट का उसमें एक गोलाई आकार आएगा, क्योंकि गोल करना है ना हमको, समझ रहे सैलू, गोल करने के लिए ठोका पीटी कर देगी नहीं, गोल करना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसा गोल मानोगे तो हर 10 किलोमीटर के बाद आपको 5 फीट का उसमें ऐसा गोलाई करना पड़ेगी,
लंदन में एक वैज्ञानिक ने ये प्रयोग किया। लंदन में 800 किलोमीटर का एक हाईवे अपने वो नहीं है विद्यांजलि गौरव नहीं वैभव वैभव भाई उनसे खूब चर्चा हुई हमारी। बोले महाराज सब पागल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 800 किलोमीटर एक ट्रक भेजा गया वो ट्रक 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। अगर पृथ्वी गोल होती तो वो 10 किलोमीटर बाद दिखना बंद हो जाता। और सुनो जो ये DRDO है ना जो मिसाइल्स वगैरह का परीक्षण करते हैं इनका एक साइंटिस्ट आया हमारे पास बेंगलोर में गौरव नाम का। हमने उनसे पूछा भाई अगर आपको यहां से यहां मिसाइल छोड़ना है कहां से कहां देखो डॉक्टर साहब यहां से यहां तो आपको अगर गोल है तो वैसा एंगल बनाना पड़ेगा ना गोल का और सीधे में अलग एंगल रहेगा। बोले हमको सीधे नक्शे से बम छोड़ा जाता है। हम लोग नक्शा सीधा रख करके मिसाइल छोड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है बॉल जैसी पृथ्वी गोल है थाली जैसी। कैसी फिर भी भूगोल शब्द बोल सकते हो आप कोई दोष नहीं है क्योंकि मध्य लोग गोल गोल पृथ्वी से युक्त है इसलिए राजेश भैया भूगोल बोल सकते हो। दृष्टांत याद आ गया गोमटेश्वर का नहीं आया। एक महाराज ने ताम्रपत्र फूल खोल कर कहा था कि इसमें भूगोल शब्द गलत लिखा है। अपन ने उस समय कुछ नहीं कहा अपन क्यों बोलो समय उनको बताएगा। भूगोल से तात्पर्य हमारा मध्य लोग जो कैसा है वो गोल गोल ही तो है इसलिए भूगोल। और भी प्रकार से आप देख सकते हो जो पृथ्वी आदि है मिस आपकी जो फ्लाइट उड़ती है ना उनको भी फ्लैट नक्शा दिया जाता है। जो आपको दिख रहा है ऊपर से अब वो क्या है एक मिनट में विषय कर लेते हैं। जो ऊपर से दिख रहा है वो क्या है डॉक्टर साहब सैटेलाइट की फोटो आती कि नहीं वो क्या है। आप तो आज जाना आस्तिक जो अपने शांति कुटी ना जहां तुम सामायिक करते हो कक्का है बच्चा वहीं जाके सामायिक करता है वहीं उसके और ऊपर चले जाना सीढ़ी है किनारे से गिरना नहीं ऊपर जाके देखना तुमको ऐसा अनुभवन होगा कि हम बीच में हैं चारों तरफ गोल ही गोल है। ठीक है ऐसा क्यों होता है जितना आपका क्षयोपशम है वहां तक आपको चौकोर त्रिकोण षटकोण आदि आकार दिखते हैं। जहां आपका क्षयोपशम समाप्त होता है वहां आपको सिर्फ गोल दिखता है। तो जो सैटेलाइट है ना उनका जो क्षयोपशम है वहां तक तो दिखता है फिर सब गोल ही गोल दिखता है। कक्का हमारा एक प्रश्न है माना कि ये भारत है अभी इसके पीछे के हिस्से में पृथ्वी गोल है ना तो यहाँ भारत माना कि यहाँ अमेरिका है। ठीक तुम तो यहां से छेद करके मशीन से निकल जाओ अमेरिका में निकलना चाहिए इतनी मशीनें आ गई डॉक्टर साहब एक मशीन ऐसी भी तो लाओ ऐसा निकले कोई यहां से और पहुंचे यहां पर। लेकिन ध्यान रखना अमेरिका में निकले तो मानते फिर ये मत बोलना कि पानी पानी त्राई त्राई हो गई बेचारे फंस के मर गए। वैज्ञानिक एक बार जो बोल चुके हैं उसी की पुष्टि में लगे सत्यार्थ जिन आगम है हम विज्ञान को प्रमाणित नहीं मानते हम बीतराग विज्ञान को प्रमाणित मानते। इसीलिए ओ भैया राजेश भाई हर चीज को विज्ञान से मत जोड़ना। हाँ विज्ञान में जो हो उसको तुम जैन आगम से जोड़ लेना हमें कोई विरोध नहीं। ट्यूबलाइट क्यों दिखती है क्योंकि उसका उतना ही क्षयोपशम उतनी दूर देखोगे तो गोल देखेगी लेकिन आप उसको दूरबीन से देखो आपको वो भी लंबी ही दिखेगी है ना है कि नहीं ये नियम है। फिर भी भूभ्रमण के सिद्धांत की खंडित खंडन के लिए किसी को पढ़ना हो तो हमारे पास एक बहुत सुंदर किताब रखी है ये मत देखना किसने लिखी है आप तो देखना उसमें क्या तथ्य दिए गए आज के नहीं पूर्व के जो आपके वैज्ञानिक थे ना वो भी भूभ्रमण का खंडन कर चुके हैं। जिस जिसने खंडन किया उसको मार दिया गया जैसे कल्पना चावला समझ गए। अब वो देवों के जो विमान घूम रहे ना ये सुमेरु है ये क्या हो गया अपना इधर देखो सब लोग कहां देख रहे घंटी तो बज गई
आप लोग की छुट्टी अभी नहीं हुई, एक घंटे बाद होगी। ये क्या है? सुमेरु। इसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं कौन? सूर्य चंद्रमा। दो सूर्य दो चंद्रमा जम्बूद्वीप में, इससे दूने अगले में, उससे दूने अगले में, उससे दूने अगले में, फिर ऐसे करते करते असंख्यात हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा एक तारे, सूर्य चंद्रमा के परिवार में करोड़ों करोड़ तारे होते हैं। कितने? अब ये जो है सुमेरु पर्वत, इसमें जो है ना ज्योतिष विमान तत्कृता काल विभागा, इसकी मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं और उससे काल का विभाग होता है, दिन रात नहीं भी हो तो भी समय तो निकलेगा, लेकिन व्यवहार काल का ये देखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो कुलाचल हैं, पर्वत हैं, अथवा राजेश भाई, इनकी अपनी अपनी श्रेणी है चलने की, सूर्य चंद्रमा की, ये कहीं भी नहीं घुस जाते गाड़ी लेके, तुम्हारे चकरा घाट जैसे, बड़े बाजार जैसे, इस गली से घुसे उस गली में निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, उनकी निश्चित गलियां हैं, उनमें जा जाके निकल निकल के जाते हैं। तो हो सकता है बीच में कोई कुलाचल पर्वत हो तो उसके कारण वहां रोशनी नहीं फैलती हो। आप तो आज्ञा सम्यक को अपने पास रखो डॉक्टर साहब। किसको? जिन वाणी में जिन वच में शंका न धार। हम जब बनेंगे केवली तो हम देख लेंगे, लेकिन अब ये सत्य है, नहीं तो तुम्हारे भैया डॉक्टर साहब जिनकी आपको मिली ना बची, इसी बात पर विकल्प हो गया था उनको कि बोले अमेरिका में 10 घंटे बाद उजेला होता है, भारत में तो अभी हो गया, सूर्य चंद्रमा आपके हिसाब से उस समय एक ही है, इतना अंतर क्यों? भाई आप जिन आगम को खोल के देखो, जितना आचार लिख गए उसको सुन लो, बाकी अपने पुष्टि करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बहिर अवस्थिता, इसके बाहर, किसके बाहर? ढाई दीप के बाहर सारे ज्योतिष देव स्थिर हैं। क्यों नहीं घूमते? क्योंकि वहां मेरु आदि है ही नहीं। वैमानिका, अब वैमानिक देवों की चर्चा करेंगे, नीचे के छोटे लोगों की कम ही चर्चा की जाती है, बड़े लोगों की विशेष की जाती है, समझे कि नहीं? आस्तिक, बड़े लोगों की चर्चा की जाती है कि छोटे लोगों की? छोटे लोगों की बस समझ लो, छोड़ दो जी, नीति समझो डॉक्टर साहब। जीवन में छोटे लोग भी उपयोगी हैं और बड़े लोग भी। छोटे लोगों को वहीं तक लो और छोड़ दो जहां तक उनकी सीमा है, बड़ों को उसके आगे ले जाओ, और जो बड़े हों उनके साथ में रहो। हैं? कौन ने कहा जेनियो कब जाए? अरे उनके कहने से क्या होता है, उनके बच्चों के ऊपर उनका कब्जा है क्या? कहा जेनियो की बात कर रहे, उनको बोलना तुम घर ही में झांक लो, बाकी तो ठीक ही है। देखो कक्का नाना के नानी के सामने ननिहाल की बातें कर रहे, भैया हमसे खुलवाओ नहीं आप, उनके बच्चे आपके साथ नहीं रहे, हमारे साथ रहे, ठीक है। कितनी पटेल की आइसक्रीम खाई और कितनी, अब रहन दो, ओम शांति, समझ रहे? उनको बोलना तुम अपने बच्चों को ही संभाल लो, जेमे सार है, दुनिया का ठेका मत लो। डॉक्टर साहब नियोग है, अपने साथ नियोग है, जहां गलत होने वाला होता ना वहीं एक बार मुंडी चली जाती कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर आदमी फंस जाता है, बोले यार इन्हें तो देख ही लो, नहीं तो मिलना आप हमसे, होम साइंस कॉलेज कहां सुनाएंगे आपको भी हम फिर, ठीक है। चलो आगे, कल्पो पन्ना कल्पातीताश्चा। अब दो प्रकार के जो हैं ऊपर वैमानिक देव हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। देखो डॉक्टर साहब एक नीति है, अपने साथ में रखो एक आईना। कौन सा? एक आईना जिसमें सामने वाले का चेहरा दिखता हो, आपका नहीं। नीति सीखो रानू, सामने वाले का चेहरा दिखता हो
तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण हो जिसमें उसकी गलती हो, उसको तंगाने के लिए नहीं, कभी मौका पड़ जाए तो अपने बचाव के लिए। सुनो राजेश भाई, किसी को पीड़ित मत करना, अपन अहिंसक है, किसी को बदनाम मत करना, आप अहिंसक हो, लेकिन अहिंसक का मतलब ये नहीं कि अपनी रक्षा मत करना, अहिंसा में जीवों में आप भी हो, अपनी रक्षा करना, समझे डॉक्टर साहब, अपनी रक्षा का प्रमाण तो रखना। आपके पास मोबाइल है ना, इसमें आप दुनिया के लोगों के फोन आते कि नहीं, ऐसे लोगों की रिकॉर्ड करके रखो आवाज, हल्ला नहीं करना, उसको सुनाना भाई तो सुन ले, फिर बात करते हैं, अगली बात जय जिनेंद्र करके दूर से पैर पड़ के जाएगा, ये नीति, समझ गए सहज सागर जी, इसी तुम यहां जमे हो मस्त। दो प्रकार के वैमानिक देव हैं, कल्प मतलब 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाले और उसके ऊपर कल्पातीत, सुन आस्तिक। अब वैमानिक देवों की चर्चा है, कितने सुंदर सुंदर देव होते, कैसे होते हैं पता है, खड़े हो जरा, तुम कितने साल के हो गए, 10 के नहीं हुए, 11 के हो गए हैं, हो गए कब हो गए 11 के हैं, ज्ञानी हैं डॉक्टर साहब, देख रहे हैं आप, इसीलिए बोल रहे छोड़ दो, अरे वो छूट जाए तब तो काम है ना, तुम तो 2 साल स्कूल बंद कर दो हमारे पास रुक जाओ, अरे अपनी तो घर की स्कूल है, क्यों टेंशन, रिपोर्ट कार्ड हम दिलवा देंगे, टेंशन मत लो उसकी, वो बैठे तुमको कौन सी डिग्री चाहिए दिलवा देंगे हैं, तुम डिग्री की टेंशन मत लो, अपन को बीतराग वैज्ञानिक की डिग्री मिलेगी, उससे बड़ी क्या डिग्री है, सही कि नहीं, सुनो अच्छे अच्छे डिग्री वाले तेरे पैर पड़ेंगे, ये है ना बैठे ना कक्का, देखो इनको दिख रहा ना डरावने टाइप की, जो डांटते रहते सब लोगों को, इनके बाजू में देखो ये बैठे ना, ये राजेश भैया, ये बड़े बड़े कॉलेज के मालिक हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये अंगूठा छाप है, पूछो पूछो कहां तक पढ़े आप, पूछो ये अंकल से बब्बा से पूछो, हाथ जोड़ो, अरे हाथ जोड़ो, पूछो आप कहां तक पढ़े हो, कौन सी क्लास तक कक्का, 7वीं तक पढ़े हैं, लेकिन ये चल रहा ना मोरा जी, यहां पर संस्कृत महाविद्यालय उसके अध्यक्ष है, सुन रहे तुम, आचार्य विभव सागर जी का नाम सुना ना, यहीं से पढ़ के गए हैं, समझ रहे जी, आपने आचार्य जी कितने 9वीं पास, कक्का एक दिन आचार्य जी बोले भैया तुम लोग सब डिग्री वाले हो, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमने कहा है ना आपके पास डिग्री, एमए बीएफ की डिग्री है, पहले बोले इसका तुम पूरा करो, तुम खतरनाक हो, हमने क्यों बोले तुम पूरा करो नहीं, हमने कहा हम जब भी परिचय लिखेंगे उसमें लिखेंगे शिक्षा एमए बीएफ, हमने कहा हम लोग एमबीए बीबीए वाले तो 3 शब्द वाले, आपके 4 हैं, बोले इसका मतलब क्या होता है, हमने कहा मैट्रिक अटेम्प्ट बट फेल, क्या कि पेपर नहीं दिया, उस समय छुल्लक ही दीक्षा हो गई उनकी, पेपर देने जाते उतने में तो छुल्लक दीक्षा हो गई, 17 साल में छुल्लक बन गए थे, तुम तो अच्छा करो तुम तो 13 में बन जाइयो, अपन को किसी के जैसा नहीं बनना, अपन को अपने जैसा बनना है, सही कि नहीं, तुम तो कुंद कुम स्वामी से 11 साल की उम्र में दीक्षा ले लो, कितनी अच्छी बात है नहीं, लेकिन तुम लोगे नहीं, अभी मम्मी के पास जाना है, चलो ऊपरी ऊपरी, ये देवों की जो स्थान है ये ऊपर ऊपर है, सम्यक आज तो समझ में आ रहा होगा भैया है, ऊपर ऊपर है, ऐसे नहीं नीचे नीचे नहीं है, नरक कैसे है नीचे नीचे, स्वर्ग कैसे है, अब कहां जाना है, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे, अरे भैया सब जगह घूम आए हो, सुरेंद्र पंडित जी आए क्या, सब जगह घूम आए हो फिर भी तुमको ऊपर जाना है, अरे एक बार ऐसा घूम कर आओ सिद्ध सिला कि जहां लौटने की टिकट ना लेके जाओ, निगोदिया बन के नहीं सिद्ध बन के जाना है, जाना है आस्तिक, सिद्ध बन के ऊपर जाना है, फिर चिरगांव नहीं जाना पड़ेगा,
सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तव लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रेश आनत प्राणत रचित्योर नवसु ग्रेवे केसु विजय वेजिन जैन तप्रायेशु सर्वार सिद्ध उचा देखो उच्चारण में इतना समय लग रहा है, जाने में कितना लगेगा फिर वहां तक हैं? भैया तुम्हारी घड़ी रुक रही का? चलो सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रार, और इसकी बात करें आनत प्राणत आरण और अच्युत, ये 16 स्वर्ग, इसके ऊपर 9 ग्रेवेग, फिर सहज सागर जी 9 अनुदेश, फिर 5 अनुत्तर विमान, विजय बैजंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए जो जीव उपशम श्रेणी में उतरते समय मरण करते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। अभी बता रहे कौन कितने भवतारी हो रहे हैं, वो भैया राजेश कठिन नहीं है ये सौधर्म ऐशन आदि पदवी प्राप्त करना सरल है, लेकिन ऐसा बोल मत देना किसी आचार पर मिष्टि के लिए आज आप कि ये जाएंगे सौधर्म इंद्र बनेंगे। सौधर्म इंद्र की आयु कम से कम 2 सागर कुछ अधिक होती है, वर्तमान में जो है ना वो चलेगा लंबा, और उसके लिए भी राजेश भैया घोर साधना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा सौधर्म पद। स्थिति प्रभाव सुख दुति लेशा विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो दिका, स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी पर का अन्य जीवों का उपग्रह निग्रह करना, अच्छा बुरा करना। सुख यानी इंद्रिय विषयों की सामग्री, दुति यानी शरीर और वस्त्र की कांति चमक, जब आए थे देखो कैसी कपड़े की चमक थी, अब कम हो गई कि नहीं चमक। लेश यानी परिणाम, ओ अनु लेश यानी भाव, इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सभी देवों के विषयों की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों में अधिक है। सौधर्म इंद्र को ही बेटा उनका नी हो गई है, उन्हीं को सौधर्म इंद्र बनाया जाता है। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मालूम वो क्या सोच रहे हैं, ये बच्चे का नाम क्यों लिया जाता है, जिसका भाग्य है उसी का नाम लिया जाता है, जिसका भाग्य है उसको ही मौका मिलता है, ये नियोग है। सौधर्म इंद्र ही भगवान के कल्याणक मनाता है। बोल क्या बोल रहा, नहीं ऐसा कोई चुना नहीं जाता, जिसने वो सौधर्म इंद्र के पद का बंद किया आयु बंद का वो ही सौधर्म इंद्र बनता है। तुमको बनना है, तुम तो लोकांतिक देव बनना, ठीक है। इनके ऊपर ऊपर के देवों में सब विषय अधिक होते हैं। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, आ गया तुम्हारा परिग्रह अभू, गति शरीर परिग्रह अभिमान, ये चारों चीजें हीन होती हैं ऊपर ऊपर के देवों में। सहज सागर जी जो व्यक्ति जितना ऊपर उठे उसके अंदर गति शरीर परिग्रह और अभिमान देवों के ऊपर का हीन होते आता है, ऊपर ऊपर के देवों की आयु आयु बढ़ती है ज्यादा रहती है, गति हो जाती है मंद और शरीर हो जाता है छोटा, उनको ज्यादा परिग्रह की आकांक्षा नहीं होती, और अभिमान यानी अहंकार भी उनका कम होता है। कम से कम मनुष्यों के लिए जब पद बढ़ता है कक्का, दो चीजें तो कम हो ही जाना चाहिए, एक परिग्रह अभिमान। किस किस ने परिग्रह परिमाण का फॉर्म नहीं भरा अभी तक, वो हमसे कल सुबह ले लेना सब परिग्रह परिमाण का फॉर्म भर के। आप विकल्प नहीं करो, फ्री में है, ठीक है,
जिनने नहीं भरा सब भर देना, ठीक है, फॉर्म भर देना ताकि नरक की तुम्हारी टिकट ना कटे। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वि त्रि शेषेषु। अब यहां कह रहे हैं दो तीन कल्प युगलों में, जो कल्प युगल है ना, देखो जो आपके पास ऊपर स्वर्ग है ना 16 स्वर्ग, तो वहां पर ऐसे हैं सौधर्म ईशान सानत कुमार, फिर उसके ऊपर सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तव लांतव कापिष्ट, ऐसे क्रम से पूरे डिब्बों जैसे इनके स्थान हैं स्वर्गों के, एक के ऊपर एक 16 नहीं है, ऐसा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये स्वर्गों के ऊपर उनके स्थान है। उनमें जो युगल हैं सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ऐसे युगलों के लिए कह रहे हैं, इन युगलों में और शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। अभी देखना आप पंचकर्ण को बुलाते ना बेंतरों को, ज्योतिष देवों को नचाते हैं वो लोग नाटक वाले, उस बेचारे बेंतर भी बनना पड़ता है। तो सबके अपने रंग होते हैं, जैसे उनके लेशिया है उनको वैसे वस्त्र देकर के चिन्हित किया जाता है। प्राग ग्रेवे केव्या कल्पा, ग्रैविक के पहले तक कल्प संज्ञा है, 16 स्वर्गों तक कल्प की संख्या है, उसके बाद कल्पातीत। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ये है अपने काम की चीज। लोकांतिक देव जो ब्रह्म ने 5वें स्वर्ग में निवास करते हैं वो लोकांतिक देव, सभी लोकांतिक नहीं होते उसमें, 5वें स्वर्ग में सभी लोकांतिक नहीं होते, 5वें स्वर्ग में कौन से देव लोकांतिक होते सुनो, सारस्वत आदित्य ब्रण रुण गर्द तोय तुसी ताव्या बाधा रिष्टाश्चा। अब यहां कह रहे हैं सारस्वत, ये यहां पर 8 प्रकार के लोकांतिकों का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इन इतने ही 8 नहीं मानना, ये सिर्फ उनके मुख्य मुख्य नाम है, इसके प्रभेद भी हैं। सारस्वत आदित्य वन्नी अरुण गर्दतोय तूषित अव्याबाद और अरिष्ट नाम के लोकांतिक देव होते हैं। इनकी पूर्ण संख्या 4,07,820 है, कितनी संपूर्ण लोकांतिक देवों की इतनी संख्या है 4,07,820। इसलिए अपने पास बहुत वैकेंसी है, तुम भी बन सकते हो लोकांतिक, वो आस्तिक तुम भी लोकांतिक बन सकते हो भाई, चाहो तो बन सकते हो, बनना है किसका? अरे आदित्य नाम से काम नहीं चलेगा, लोकांतिक जैसे काम चाहिए, नहीं तो उसमें सारस्वत और आदित्य तो बोल दो संघ में एक सारस्वत सागर और हम बाकी ये हम बनेंगे लोकांतिक बाकी बेंतर, भैया ऐसा मत बोल दीजिए भैया, नाम से कुछ नहीं गुण होंगे तो नाम सार्थक है, ये इनकी विशेषता है। स्वतंत्र रहते हैं सुनो, किसी के साथ नहीं अकेले घूमते हैं, नहीं सुनो पूरी बात, ये तो ब्रह्मचारी नहीं रहते, पहले पूरी सुन लो, इनको कहते हैं ये देव ऋषि हैं। कौन से देवों की बात कर रहे हैं? ब्रह्मचारी की, लोकांतिक देव तो ब्रह्मचारी होते हैं बता रहे हैं, स्वतंत्र विचरण करते हैं, परस्पर में हीना दिक्कत से रहते होते हैं, सब एक से होते हैं, सब कैसे होते हैं एक से, ब्रह्मचारी होते हैं 14 पूर्व के पाठी होते हैं, कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त होते हैं, इसलिए एक भगवत आ रही है देव ऋषि कहलाते हैं, और तीर्थंकरों के तप कल्याणक मात्र में ही आते हैं, कहां कहां तीर्थंकरों के तप कल्याणक में, वहां धवल वस्त्र पहनते हैं। और एक बात और है, लोक के अंत में विराजमान यानी 5वें स्वर्ग के अंत में रहते हैं, इसलिए लोकांतिक अथवा इनके लोक का अंत होने वाला है, मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए लोकांतिक।
से कम उसके प्रश्न पे ताली बजा लो तुम लोग। सुन बेटा, जो पांचवा स्वर्ग है ना ब्रह्म स्वर्ग, उसमें सभी लोकांतिक नहीं होते, उसके अंत में जो हिस्सा होता ना, जैसे माना कि पांचवा स्वर्ग है, इसके अंत में जो रहते हैं वो लौकांतिक देव रहते हैं, उनके लिए बता रहे हैं, बाकी वो बाल ब्रह्म, वो ब्रह्मचारी ही होते हैं, उनको देवियां मिलती नहीं है ना, उनके भाव होते हैं। समझ गए? बैठ जा, कूद कोड़ी। विजया दिशु दुई चरमा, विजय आदि के जो देव हैं दो चरम हैं, दो शरीरी हैं, दो बार मनुष्य भाव लेंगे उसके बाद उनका छुट्टी। डॉक्टर साहब, नौ अनुत्तर और चार अनुत्तर और नौ अनुदिश के जो देव हैं, अधिक से अधिक उनके दो भाव, एक भवतारी सुन लो आप लोग, सर्वार सिद्धि का देव एक भवतारी, लौकांतिक देव एक भवतारी, दक्षिणेंद्र दक्षिण सौधर्म सानत कुमार, फिर जो इनके ऊपर क्रम से है ना, जो जो मुख्य मुख्य इंद्र हैं इनके बड़े वाले, ये एक भवतारी। सभी देवों को मत मान लेना, ये तो सौधर्म स्वर्ग जो पैदा होगा सब एक, जो दक्षिणेंद्र हैं सौधर्म ईशान की, सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी कितनी होती है? आठ होती है सौधर्म इंद्र की मुख्य इंद्राणी, उसमें सची इंद्राणी के लिए एक भवतारी है। सची नाम की जो इंद्राणी है ना वो एक भवतारी, सब देवियों के लिए मत लगा देना भैया। और सौधर्म इंद्र के लोकपाल, सौधर्म इंद्र के होते हैं चार लोकपाल, कुबेर वसु आदि, ये सब एक भवतारी। जितना बड़ा आपका जम्बूद्वीप है ना, इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप में उनकी बावड़ी का स्थान है खेलने का, कितना डॉक्टर साहब? जितना बड़ा जम्बू द्वीप है ना, ऐसे नंदीश्वर द्वीप में चार बावड़ी है, एक कुबेर की है, एक वसु की है, ऐसे चार लोकपालों की है। भैया 3.5 करोड़ देवी है, जगह भी तो चाहिए हैं? अरे बड़ा चाहिए काम भैया, समझे नहीं कक्का? तुम्हारी कहां गई 3.5 करोड़? तुम तो एक ही लिए घूम रहे थे बाला भेंट में हैं? देखो डॉक्टर साहब, एक विषय निकला तो और सुन लो आप। एक देव पलक झपकते ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वही देव अपनी तीव्र गति से अगर गमन करता है सुमेरु पर्वत से, तो 6 महीने तक वो जितने द्वीप समुद्र तक जा पाएगा। समझ गए? ये सुमेरु है, यहां से एक देव ने द्रुत गति से चलना चालू कर दिया, ठीक, और चलते चलते वो 6 महीने में जहां पहुंचेगा उतना बड़ा 7वें नरक का बिल है। सातवें नरक का उतना बड़ा सिंगल एक बिल, इंद्रक बिल, समझना कितना बड़ा है। जाना है, अपन तो देवों में ही ठीक है भैया। औपादिक मनुष्य व्या शेषास्त्रीय योनिया, उत्पाद उपाद जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़ करके जो बचे वो सब तिर्यंच। ये यहां क्यों बोल रहे हैं? तिर्यंचों के बारे में अभी तक बताया नहीं था, तो प्रकरण चल रहा है तो कह रहे हैं कि बताते हैं। जो उपाद जन्म वाले कौन कौन से? देवनारकी, मनुष्य, इनके अलावा जो बचे वो सब सब तिर्यंच। एक इंद्री तिर्यंच, दो इंद्री भी, पंचेंद्री भी तिर्यंच। सुन रहा रानू, बन चुके कई बार, अब नहीं बनना। हाँ, अब नहीं अपने को बनना, अब तो अपन को क्या बनना है? अब वो बेदू क्या बनना है? खड़े होके बोलो अच्छे से, जल्दी बोल दो अच्छे से। कैसे बनेंगे? दीदी को मारने से भगवान आत्मा बनेंगे? नहीं बनेंगे ना, ठीक है। पापा को? किसी को मारना नहीं, ठीक है। चलो, स्थिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोप त्रिपल्लुप मार्दहीन मिता,
अब यहाँ पर देवों की आयु प्रारंभ कर रहे हैं, कौन से देवों की कितनी आयु है सुनना ध्यान से। असुर कुमार जाति के देव, वो जो 30 नरक जाके लड़ाते ना, नारायण नारायण, सुनो राजेश भाई, वहां के देव वो असुर कुमार जाति के देव, नाग कुमार जाति के देव, सुपर्ण कुमार जाति, दीप कुमार और शेष भवन वासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक सागर, एक सागर उपम, तीन पल्ले, अढ़ाई पल्ले, दो पल्ले और डेढ़ पल्ले की होती है, इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले होते हैं। एक एक सूत्र के लिए बहुत समय चाहिए माँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। सौधर्म ऐशानियो सागर उपमे अधिके, सौधर्म ऐशान कल्प में जो देव रहते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक दो सागर है। कितनी? अब यहां सूत्र में दो सागर तो लिखा नहीं है, दो कहां लिखा, देखो सूत्र में कहीं लिखा क्या दो? लेकिन फिर भी वो सागर उप में उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, उससे दो सागर का अर्थ निकाला जाता है। सानत उसी का दो सागर, कितना हो गया, कितने सौधर्मेंद्र बदल गए तुम्हारे, सौधर्मेंद्र भी बहुत हैं, उसकी क्यों टेंशन लो अपन, बहुत वेकेंसी, आप पुरुषार्थ करो, जोर तो मारो, आप जोर मारो, कोई ना कोई तीर्थंकर का मोक्ष हो जाएगा, विदेश क्षेत्र में आपको जगह मिलेगी, जोर तो मारो। कर्नाटक का है, फणी है क्या, कन्नड़ में कहते जोर माड़ी हाकी। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की सात सागर उपम से कुछ अधिक आयु होती है। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रति कानी तू, अब कह रहे हैं अब आप जोड़ते जाओ, सात में तीन कितना हो गया, अब दस सागर की आयु होगी किसकी, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के युगल की, वहां से आरण अच्युत क्रम से देखो सात सागर सहज सागर जी कुछ अधिक, सात सागर से कुछ अधिक, पहले तीन में सात जोड़ो कितना हो गया, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल में से लेकर के प्रत्येक युगलों में बता रहे हैं, तीन से अधिक सात कितना हो गया दस, फिर सात में सात जोड़ो कितना हो गया, फिर नौ, नौ और सात ग्यारह और सात, त्रयोदश तेरह और सात और पंचदश और सात, ये बाईस सागर तक की सोलहवे स्वर्गों की आयु है। कितनी? बाईस सागर तक वहां रह सकते हैं, स्वर्गों में भोग करते रहो, कोई विकल्प नहीं, ना खाना ना पीना ना जाना ना घूमना कुछ नहीं, आनंद से रहना। लेकिन सुन लो भैया, ये भोग भी अल्प समय के हैं, वो 22 सागर की आयु भी ऐसी निकल जाती है पता नहीं चलता, आप तो अनंत बार 31 सागर तक की आयु लेकर के स्वर्ग जा चुके हो पक्का, क्योंकि पंच परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन होता कि नहीं, पुद्गल परावर्तन, वो सुरेंद्र पंडित जी कितनी आयु लेके आ चुका है जीव स्वर्गों की, पंच परावर्तन में 31 सागर की, नौवे ग्रेविक तक सीधी सीधी है, देखो आगे आ रही है, अभी देखो आरना चुता दूर्द मई कई के नवसु ग्रेवे के सु विजयादिशु सर्वार सिद्ध उच्चा, आरण अच्युत के ऊपर नौ ग्रेविक से प्रत्येक में 16 स्वर के ऊपर नौ ग्रेविक में नौ अनुदिश में चार विधेयों में एक एक सागर बढ़ाते जाओ, हो गए 22 और 9 31 सागर की हो गई। और सर्वार सिद्धि का नाम अलग से क्यों लिखा, क्योंकि वहां 33 हाउसफुल फुल मिलती है, हाउसफुल। अपरा पल्योपमधिकम सौदर्म ऐशान कल्प में जगन स्थिति कुछ अधिक एक पल्ल की है,
अगर पहले स्वर्ग गए तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में डॉक्टर साहब एक पल्ले तो मिलेगी, एक पल्ले बहुत होता है। ऐसे असंख्यात पंचम काल की समय निकल जाएगा, इतना बड़ा एक पल्ले है। परता परता पूर्वा पूर्वा नंतरा, आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, बात बात की जघन्य। जैसे सौदर में इंसान स्वर की दो सागर की उत्कृष्ट है तो वो अगले स्वर की वो जघन्य, जो अगले स्वर की उत्कृष्ट है वो उसके आगे वाले स्वर की जघन्य है। हाँ, सर्वार सिद्धि में हाउस फुल, ना घटेगी ना बढ़ेगी, फुल लेके आओगे। हम नारका नाम चा द्वितीय दिशु, अब सुनो, दूसरी आदि भूमियों में नरकों में पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति और बात बात की जघन्य। यहाँ पर प्रकरण वश नरकों की आयु कह रहे हैं, जो बात बात के नरक है ना, पहले की उत्कृष्ट वो उनकी जघन्य, जो पहले की उत्कृष्ट है वो दूसरे की जघन्य, जो दूसरे की उत्कृष्ट है वो तीसरे की, ऐसा विषय लगाना। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, अब सुनो, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, कम से कम नरक जाओगे तो 10,000 वर्ष तक तो रहना ही पड़ेगा। कितने वर्ष तक डॉक्टर साहब? एक समय दुख का निकलता नहीं है, 10,000 वर्ष कैसे निकलेंगे? बोलो भैया, राजेश भैया कैसे निकलेंगे? निकल जाएंगे मजे में, नहीं निकलेंगे। इसीलिए भैया, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, सब हे है। आप तो आयु प्राप्त करके मोक्ष का पुरुषार्थ करो। इतना सुन रहे ना अपन सहज सागर जी, इतना सुन रहे हैं, लेकिन कोई ये भी तो सोचो कि देव बने कैसे। माना कि सुरेंद्र जी देव पर्याय आपके लिए हे है, तो वर्तमान में कहां जाना है? बताते हैं, बोलो सुरेंद्र जी। अरे हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, 4 गति हैं, कोई 5वीं गति आपको इस पर है मिलने वाली है नहीं, सही है कि नहीं? ठीक, मनुष्य बनना है, नारकी बनना है, देव बनना है कि त्रिरंज बनना है? आप बोलो, खिल्ला खुल्ला खुल्ला बोलो, चलो हैं? क्या बनना है? मनुष्य। फिर मिथ्यात के साथ मरण करना पड़ेगा, अब बोलो, क्योंकि सिद्धांत का नियम है जो मनुष्य से मनुष्य बनता है वो मिथ्यात के साथ मरण करके ही बनता है। अब बोलो कहां जाना है? हैं? देव बनोगे, ऊपर देवियां मिलेंगी, फिर विदेह क्षेत्र जाओगे मिथ्यात के साथ। क्या मतलब है? देखो, सम्यक के साथ नरक जाना श्रेष्ठ है, लेकिन मिथ्यात के साथ स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? सम्यक रहेगा तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जय चलती रहेगी। जो ऐसा नहीं है, विदेह क्षेत्र में भी अभव्य जीव रहते हैं, यहां से नहीं, कोई नियम नहीं है। 123 भद्र मिथ्या दृष्टि जीव इस पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाकर के मोक्ष जाएंगे, लेकिन कोई नियम नहीं है कि यहां से मर के विदेह गए तो भव्य ही हैं, क्योंकि वहां भी अभव्य जीवों का जन्म होता है। इसलिए भैया आप घबराओ नहीं, स्वर्ग चले जाओ, सबसे श्रेष्ठ है। अभी परम व्रतई परम देवम नावृतई व्रत नारकम छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपाल यतोर महान। अभी समय खराब है, धूप बहुत तेज है, गाड़ी आने में टाइम है, कम से कम छाव में खड़े होकर के इंतजार करो। सोलवे स्वर्ग तक जीव सैनन की अपेक्षा जा सकता है, और सैनन की अपेक्षा छठवे नरक तक भी जा सकता है। तीन जो अपने पास जो तीन अशुभ सैनन है, तीन हीन सैनन है, उन सैनन की अपेक्षा से 16वां स्वर्ग बनता है। बोलो मां, बनता कि नहीं? सिद्धांत से ऐसे ही है। 5वां स्वर्ग तो कुंद स्वामी ने बोल ही दिया है,
और जो तीन अश्व अपनी हीन सेना है वहां का जीव 16वें स्वर तक जन्म ले सकता है, लेकिन बहुत विशुद्धि चाहिए। कहते नहीं है तीन सेनन अभी वर्तमान में हीन सेनन है पंचम काल में, किसको कौन सी मिल रही, क्या दिख रही आपको? सुन रहे आबू, ऐसे नहीं मिलेगा तुमको पायल के काटते काटते रेट 16वां स्वर्ग। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। वो सुरेंद्र जी पटना, सीता को बंद करना पड़ेगा, देखना आपको तब मिलेंगे आपको लोकांतिक देवों के दर्शन। लेकिन हम देखेंगे सीता को नहीं, बीच में है ना, तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, इसलिए देखो भाई सबसे श्रेष्ठ तो बता दी हमने आपको, रास्ता तो वही है। अब भाई जम रुचि तम कुछ जा है? 2/3 भाग, लेकिन ऊपर जाके देखो 2/3 भाग में से 99-95% देवी बनती जाके, देख लो भैया सुरेंद्र जी, अभी समय है अपने पास। देखो मुनियों को आहार देने के परिणाम हो गए ना आपके, जिन देव की वंदना के होते ना आपके, नियम लेने के परिणाम होते कि नहीं, अपने आप को पहचान लो। कोई भी छोटा भी नियम मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भी लगाना, एक समय के व्रत के परिणाम ना हो। किसी को बोलो आप भैया एक काम कर 15 मिनट के लिए छोड़ दे आलू, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, समझ लो उसकी दुर्गति का बंद हो गया है। जिसके कोई भी गति का बंद नहीं हुआ अथवा देव गति का बंद हुआ है वही जीव व्रत ले पाएगा अथवा गुरुओं के हाथ पर ग्रास रख पाएगा। सहलो भाई हाथ पे रख लो जिनवाणी है आदेश है, दिख रही है हमें कौन कहाँ है। तुम्हारा लल्ला होता तो छाती में टांगे फिरते, जिनवाणी माया माई ऊपर रखो इसलिए नहीं दी है, तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई, टेबल उठाओ लगाओ चलो आगे। सुनो माँ नियम लेने के भाव होते कि नहीं, गुरुओं के हाथ में ग्रास रखा कि नहीं, या तो अभी आपको आयु का बंध नहीं हुआ है या फिर देव आयु का बंध हुआ है। जेई पहले चला लेते भैया तुम खपड़िया तो कितने अच्छे होते, 2-4 का और भला होता, देखो कक्का तो बुंदेलखंडी है, धक्का मारो तब उठते हैं, ऊपर धक्का जैसे तुमने पीछे खींचा सो गए। हाँ संजय तुम समझ गए, बोले महाराज बोलने वाले कि सिर ढाको। सुनो माँ देव किस किस को बनना है इस पर्याय से जाकर के, देवी नहीं सम्यक दृष्टि जीव देव बनता है, नारकी नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, तिर्यंच नहीं बनता, देव बनना है कि देवी, देव बनना है बस, अपने सम्यक को सुरक्षित कर लो, किसी की ताकत नहीं कि आपको वैमानिक बनने से रोक पाए। सम्यक दर्शन और सुन लो एक बार और, आप व्यवहार से 18 दोषों से रहे देव और निर्ग्रंथ गुरु कक्का सुनते जाना ध्यान से, और अहिंसा धर्म और जिनवाणी पर श्रद्धान होना। लेकिन राजेश भैया पूरा ध्यान रखना, निर्ग्रंथ गुरुओं पर सिर्फ आदित्य सागर सहज सागर अप्रमेय सागर पे नहीं, सभी गुरुओं पर। ऐसा नहीं चलेगा श्रीहांस भाई कि तुम बन गए अध्यक्ष और खड़े हो गए गेट पे मंदिर के, अब कोई नहीं जाएगा अंदर। सुनो आपकी घटना हो गई थी टीकमगढ़ में, नहीं सुनी कक्का सुन लो, आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज उनको एक मंदिर में जाने से रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते, और एक गुरुओं का नाम ले लिया उस व्यक्ति ने, जी पगले लोग बीच के गुरुओं को बदनाम करते हैं। सुनना कक्का गुलाब कक्का, वो खड़ा हो गया बोले आप अंदर नहीं जा सकते, वो तो बेचारे समाज ने इतना बड़ा अपमान कहां सहन करती, 24 घंटे के अंदर धर्मशाला खरीद के चातुर्मास करा दिया। और भी तो लोग हैं राजेश भाई, कभी कुछ होना कोई कमी नहीं है अपने पास, तुम तो वही जगह करना खरीदना, बोले हम चातुर्मास कर रहे, और तुमने लफड़ा किया बोले यही मंदिर बना के चातुर्मास कराएंगे, कोई डरने की बात नहीं, इतिहास तो रहेगा, कम से कम तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में नहीं जाएगा, बुझाने वालों में जाएगा।
बिल्कुल नहीं घबराना। आप तो सभी गुरुओं की सेवा करना, सम्यक दृष्टि बनना है तो, नहीं तो भाई आपको जैसा लगे सो करो, ऐसा मत करना चलू कोई और साधु है तुम देखो ही मत, फिर तुम चेले नहीं हमारे। नमो लोए, नमो लोए की आदित सागरम, नमो लोए सब सावड़म, सम्यक दृष्टि की पहचान है प्रत्येक गुरुओं की सेवा करना, भक्ति करना। बहुला भगत नहीं वो लक्ष्मण जी, सुन रहे कि नहीं लक्ष्मण जी, सबकी बगुले जैसी नहीं, सबकी यानी सबकी। अगले दिन क्या हुआ पता है, वहीं पर एक उसी गेट पर एक आदमी और खड़ा हो गया डंडा लेकर के, वो आदमी जिसने आचार्य सन्मति सागर जी को भगाया हो मंदिर दर्शन करने से, क्या पूछते हैं वो आदमी उससे पूछता है नाम क्या है तुम्हारा, तो सब नाम बताया, बोले तुम फलाने साधु हो तो ये एंट्री तो भगो यहां से, बोले मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे को, लेकिन राजेश भाई जिसने उनकी निंदा की थी बेचारे बोल दे कक्का दवाई को तरस गए, दवाई के लिए तरस गए, किसके लिए। अजमेर में आज भी एक परिवार है उनके यहां पीढ़ियों की पीढ़ी अंधी अंधी पैदा हो रही है, कैसी आचार्य सन्मति सागर महाराज के लिए उसने कह दिया कि इनके कक्ष में रात को महिलाएं आती हैं। एक बार किसी ने कहा भाई तुम देखा हो तुम विकल्प हो तो वे अपने सिर से शीर्षासन लगा के समय कर दे 3 बजे, दो चंवर हिल रहे थे उनके आजू बाजू, वो तो घबरा के भग के आ गया, उस दिन से उसकी रोशनी गई, आज तक उनके परिवार में लोग अंधे पैदा हो रहे हैं। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हम, सुन रहे हैं आप, ऐसे तपस्वी साधु हैं और नहीं भी हो, अरे डेली आहार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं ना अपनी चर्या महिमा उनकी भक्ति करना। हाँ जिनको विकल्प हो उनको देखकर आप विकल्प मत करना, और हम ये शिक्षा भी ले ले भाई, जो विकल्प हो किसी को तो उनको देखकर तुम विकल्प मत करना, सुन रहे कक्का। ओ कक्का जी द्वार ऐसे ही खोले रहे पक्की, सुनो नहीं तुम्हारे बाद भी ऐसा उत्तराधिकारी रख के जाना कि द्वार ऐसे ही खुल रहे, नहीं तो सुनो एक दिन के लिए बंद हुए ना हम 2000 किलोमीटर से आके खोलने की ताकत रखते, तुम ध्यान रखना। फिर राजेश भैया अपन कोई से डरते नहीं है, तुम्हारी अठन्नी चाहिए नहीं, तुम्हारी चरन्नी चाहिए नहीं, और आई सो और आई, भले ही तुम्हारे संस्कार धानी के लेकिन बुंदेलखंड की दीक्षा है, क्यों राजा भैया डरना क्या, हम तो साधु हैं हमारी जहां इच्छा जाएंगे। कक्का तुम्हारे मंदिर के बाहर क्या लिखा है, दिगंबर जैन मंदिर, तो दिगंबर हम है कि तुम, बोलो बोलो दिगंबर हम है, भगवान किसके हैं सबके, ऋषभ देव का मंदिर थोड़ना है, मंदिर तो दिगंबर जैनों का है भाई, दिगंबर जैन तो हम है, अब तुम करो खाली हम रहेंगे, सही है कि नहीं। इसलिए गुरुओं के लिए सेवा करना, पीड़ित मत करना, सम्यक दर्शन अगर रखना है अपने पास तो, नहीं तो भाई जैसा लगे सो करो, जहां जाना सो जाओ, ठीक है। तुम तो फोकट में दिगंबर हो गए कक्का, साधना कर रहे तुम्हारे गुरु और तुम दिगंबर कहला रहे, वाह साहब, सुन रहे ने मिचन जी, ओ भैया सुन रहे कि नहीं, एक आध चातुर्मास भी कराओ ने मंगलगिरी में, हमसे नहीं बोलना, तुम लाओ कहीं से दूर से साधु को चातुर्मास कराओ मंगलगिरी में, फिर आनंद आएगा। उनकी धर्मशाला कब काम आएगी, काय भैया धर्मशाला किसके लिए बनवाई है, जो साधु आएंगे उनके रुकने के लिए, ठीक है ना। तो अब आप श्रमण परिषद में साधुओं को रुकवाओ, बढ़िया पवित्र हो, नहीं तो लोग तुझे ही बोलेंगे, बोले विशुद्ध सागर जी का संग आता है वो ही रुकता है, अब तुम लाओगे नहीं तो रुकेगा कौन, और साधु जाएंगे नहीं तो रुकेगा कौन। इसलिए ना साधुओं के अंदर विरोध हो ना श्रावकों के अंदर विरोध हो, दोनों निर्विकल्प करें। सुनो सुनो भैया दाऊ कक्का ताली क्यों बजी, इनको पता है कि ताली दो ही हाथ से बज रही है, एक हाथ से नहीं बज रही,
ओ माँ, अपन तो देव बनना है, कौन से देव? वैमानिक देव। तो सम्यक की रक्षा करना, चारित्र नहीं भी होगा तो भी सम्यक होगा तो आप वैमानिक देव बन सकते हो। कितने लोगों को बनना है वैमानिक देव? देव सातगुरु से अपनी भक्ति मत हटाना, लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना नीरज भाई, किसी के अंदर भक्ति ना हो उसको देख के तुम विकल्प मत करना, ये भी जरूरी है। नहीं तो रांग तुम बोलो जिसने जाए सो रोका हम उसको फंसा लेंगे, अभी तुम उसको मत फंसाओ, वो कर्मों में बेचारा वैसे ही पहले से फंसा है। समझ रहे राजेश भैया? ओ भैया डीना, विकल्प नहीं करना, जो है उनकी परिणति उनके साथ, आपकी परिणति जैसी उनकी मति होगी वैसी उनकी गति होगी। हम क्यों संकल्प विकल्प करें? क्यों सुरेन जी, भले ही आप मत छोड़ो कंगी, उससे हमें क्या जाना, सही है कि नहीं? लेकिन हम तो बोलेंगे, आप तो बोल लो लेकिन नर्दा उसे ही से बहकाए। लेकिन देखना आप एक दिन हमारे सामने बाल कटा के पक्के में आओगे, पक्की बता रहे आपको हम है। अरे कोई किसी का नहीं है भैया, सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है। आप जो शर्ट पहने ना आपकी नहीं है, आपका स्वार्थ है इसलिए है। अभी देखो कोई इसमें ग्रीस लग जाए फट जाए, आप प्रवचन छोड़ के बदल के आओगे? अभी कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। आपको क्या लग रहा है ये हमारे साथ ऐसे ही है धोई, या हम इनके साथ ऐसे ही है? तैयार तो और भी थे, सुनो राजेश भैया, तैयार तो और भी थे, लेकिन हम भी स्वार्थी हैं और ये भी। सहज सागर जी बहुत चालू आदमी है, दिखते हैं सीधे, जी बुंदेलखंडी में कहते हैं चादर ओढ़ के काजू खाओ, ऐसे हैं, हैं? अब वो जो भी है तुम लगाओ, हम तो चादर ओढ़ के काजू खिला रहे तुम्हारे लिए। बोले भाई अपन तो बढ़िया आनंद में रहेंगे, साधना भी होगी पढ़ाई भी होगी, और जो है बोल दो ऐसा है कि नहीं सहज सागर जी? कक्का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, अपना भी तो स्वार्थ जगाओ। लड्डू उपवास किसके लिए कर रहे बेटा? रिपोर्ट कुंडली में लिखवाने के लिए कि 16 उपवास किए हैं? फिर अपने लिए बोल अनु, सोच के आया था क्या तू? 4th उपवास हो गया कि नहीं? देख भाई गुरु के पास रहेगा, तूने जो नहीं सोचा वो भी तुझे मिलेगा, वो भी तू कर सकता है। आयरिय पसायण विद्या मंत्रम सिद्धि, गुरुओं के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है, तो उपवास तो छोटी बात है, वो क्यों नहीं सिद्ध होगा भाई? बहुत बढ़िया, अपना स्वार्थ यही है, साधु की चर्या होगी, अपना समय शुभ उपयोग में जाएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन कक्कर तुम भी चालू हो, आचार से थे ना तो तुम 4 महीने यहां से हिले नहीं थे, नहीं हिले नहीं मतलब तुम्हारा 9 नंबर कमरा फिक्स, तो कमरा नंबर भी याद है हमारे लिए, बोलो हाओ हाँ। लेकिन तुम वहीं जाते हो जहां तो मजा आता है, बोल दो हाओ, नहीं तो तुम्हारे गांव में 3 संघ होके चले गए, तुमने कोई को नहीं लाए, हम ही घसीट के लाए तुम 1200 किलोमीटर से। और चलिए 10 वर्ष हैं, क्या बोलते कक्का, क्या कर सकते हैं, जो केवली ज्ञान में झलक गई वो पर्याय तो होगी। अब अपने ज्ञान में अनियत है प्रमोद भाई, तो अपन को संकल्प विकल्प होते हैं, जिनके ज्ञान में नियत है उनको कोई विकल्प नहीं है। फिर भी कक्का एक बात तो मानना पड़ेगी, तुम हो वज्र के, तुम ले ही आए, हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था, बोलो कक्का हम नहीं जाएंगे ना नहीं जाएंगे। फिर भी कक्का तो बोलते बोले तुम्हें चलने हैं, आचार्य सिंह ने बोल दिया ना बेटा मोरा जी है, चल गए सो भीड़ मिलेगी, और नहीं चले तो बोले कौआ भी नहीं आएगा, सागर है। हमने तो करना क्या है, बोले मंत्र दिए ना तुम साधना करना, प्रभाव ना होगी। कक्का हम सोच के आए थे बताएं, अगर भीड़ आएगी तो 2 बार प्रवचन करेंगे, और नहीं हुई माना कि लोग नहीं आए तो किसको सुनाएंगे, अपन बैठ के अपना स्वाध्याय करेंगे। चातुर्मास तो हमारे लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ा ना है, तुम तो बोनस लूट लो।
चलिए यहां पर पहले नरक की आयु के बारे में जघन्य आयु का बताया 10,000 वर्ष की है। मां नरक तो नहीं जाना ना, स्वर्ग जाना है ना, बस आप तो जीवन में देखो नियम लेने के परिणाम हो रहे कि नहीं बाबू, नियम लेने के परिणाम हो रहे कि नहीं। अभी आयु का बंध नहीं हुआ अथवा देव आयु का बंध हो गया है, संभल संभल के जियो, देव सास गुरु के पीछे लगे रहो। जिसे गोंद चिपक जाती ना थन में गाय के, अरे तो गाय के में नहीं चिपकती, देखो इनको तुम्हारी सागर की महिलाओं को भैंस ही दिखती है। देखो डॉक्टर साहब तुम हमसे कह रहे थे, और देख लो चिपकती ना थन में, बस चिपक जाओ लेकिन खून मत चूसो, चिपक जाओ उनसे और तुम विशुद्धि चूसो। भाई सब पूरा बता दे, तुम बोलो भाई आपने कल से कही थी, लेकिन सुनो मां समय पे आना समय पे जाना। कहां गए लड्डू? भाई तुम भी समय पे आना समय पे जाना, प्राण मत चूसना। जो है बेचारे महाराज सामाय करेंगे तुमको भगाते रहेंगे, सही है कि नहीं रानू? वो रानू को बोल देते भाई नहीं, वो कहता हो जा रहे फ्री, अब इनको धक्का मारो अट्टू को, भैया जाओ, अब लड्डू उसमें 10 मिनट और बोले हो ये जा रहे हैं, फिर घूमेगा कमरे में पूरे में बेंतर 6 बार फिर जाएगा। जैसे कि मतलब हमको समझ ही नहीं आ रहा हो कि हम मनुष्य हैं। भाई तुम तो चिपक जाओ बिल्कुल, कैसे शंकर जी गले में सांप, लेकिन डसना मत, शोभा बढ़ा के रखना ठीक। भाई गुरुओं के पास रहेंगे तो विशुद्धि होती कि नहीं अन्नु? घर पे तुमको आराम से उपवास हो जाएंगे, लेकिन आराम तो हो जाएगा विशुद्धि नहीं बनेगी। बिल्कुल, वो तो ऐसे ही कहेंगे देखो किसमें कितनी विरक्ति है, ये मेहंदी क्यों लिखवाई थी आपने कमरा नंबर 7 में? बोलो मेहंदी क्यों लिखवाई थी? सब राग रंग के लिए हल्दी क्यों लगवाई थी? कि देखो अभी भी राग में अगर तुम्हारा चित्त जा रहे हैं बेटा आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ, समझे कक्का? आचार्यों की दृष्टि बहुत महान है। अब भवन वासी विंतराई देवों की आयु के बारे में कह रहे हैं, भवनेशु चा, भवन वासियों में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। कितनी? विंतराणाम चा, विंतरों की भी 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है। परापल्युम अधिकम, और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 पल्ली की है। कितनी? कुछ अधिक 1 पल्ली की। ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 1 पल्ली की है। कितनी? ज्योतिषों की भी। तदस्त भागो परा, ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग है। जो उनकी उत्कृष्ट स्थिति ने 1 पल है ना, कुछ अधिक 1 पल का 8वां भाग ये ज्योतिष देवियों की जघन्य स्थिति है। एक बात बीच में आप सुन लो कि देव मरकर कहां उत्पन्न होते हैं, श्रेयांत भाई का प्रश्न। देव से मरकर देव नहीं बनेगा, देव ना नारकी बनेगा, तिर्यंच या मनुष्य ही बनेगा। और भवनवासी से एहसान स्वर्ग तक कितने हो गए गिनो, जम के बोलो। पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग सौधर्मेशान, यहां तक के जीव मर के कहां हो सकते उत्पन्न, सुनो। बादर पर्याप्तक 1 इंद्रिय हो सकते हैं, सौधर्म इंद्र, सौधर्म स्वर्ग तक के देव, इंद्र नहीं सौधर्म स्वर्ग तक के देव, एहसान स्वर्ग तक के देव नीचे आके बादर पर्याप्तक 1 इंद्रिय बन सकते हैं। जितने सुंदर सुंदर पुष्प है ना सब देव वहीं से चुन कर आए हैं डॉक्टर साहब। पंच इंद्रिय संगीत रंच व मनुष्य, तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के जीव पंच इंद्रिय संगीत रंच और मनुष्य ही होंगे, 1 इंद्रिय नहीं होंगे ठीक है। और 13वें स्वर के ऊपर के जो भी जीव नीचे आएंगे वो मनुष्य ही होंगे, तिर्यंच नहीं होंगे। अब आप लगा लो आप मनुष्य हो ना, आपके लिए तीनों खुले हैं, आप
16 स्वर्ग के कहीं से भी आ सकते हो। और सुनो, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र जो हैं, अनुदिश अनुत्तर विमान के जीव जब च्युत होंगे, वो तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र तो बन सकते हैं, नारायण प्रति नारायण नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नियम से मर के नरक जाते हैं। निदान का पद है, वो भी मनुष्य तेरे अंश, जैसे परिणाम होंगे वैसा। उनको भी बहुत संकलेशता होती है, मरण के समय तो कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब मरण के पहले उनकी माला मुड़ जाती है ना, 6 महीने पहले, वो संकलेशित होते हैं कि अब मैं मनुष्यनी के गर्भ में जाऊंगा, अब मैं तिरंजनी के गर्भ में जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, ये सारे भोग छूट जाएंगे। संकलेशता से मरण करके दुर्गति करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव नंदीश्वर आदि की भक्ति में लग जाते हैं, और भक्ति में लग जाते हैं तो सदगति को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में नंदीश्वर नहीं है, मध्यलोक में नंदीश्वर है, स्वर्गों में सबके अपने अपने विमानों में जिन बिंब है, बाकी जो अपने पास वर्तमान मध्यलोक दिखते हैं ना अपने पास, यहां 13वें द्वीप तक जिन बिंबों की स्थापना है। कौन से द्वीप तक? उसके बाद द्वीपों में जिन बिंब नहीं है, जो देवों के विमान है उनमें जिन बिंब है। 1 सूत्र आपका रह गया, कौन सा? लौकांतिक देवों की आयु सुन लो, आस्तिक कितनी आयु होती है? लौकांतिकानाम अष्टौ सागर उपमाणी सर्वेशाम। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य एक सी आयु है 8 सागर की। कितनी? लेकिन आचार सार ग्रंथ में आचार्य भगवान वीर नंदी स्वामी ने उसमें 9 सागर की आयु को भी प्रमाण माना है, ना अधिक ना हीन। कितनी आयु? बस 8 सागर भोगो, फिर नीचे आओ, नियम से भोग जाना। कहाँ? अब बताओ कौन से देव बनना अपने को? भाई ऐसे हाथ उधार तो ऐसे सिवरा वाले बिल्कुल बन ही रहे हो भैया, देवी तो छोड़ो पहले, आकाश राम तो सोच ही रहे कब हो अपन टंटा खत्म करें फिर हैं? अभी देख समय है रानू हैं? अभी विधान है, जिनको सौधर्मिंद्र बनना हो, चक्रवर्ती बनना हो, सब बन सकते हो। अरे पहले व्यवहार से तो बनो, फिर जाकर के अपने आप में आनंद लूटते रहोगे, तो पहले अभ्यास कर लो फिर जाके बनना। बोलो भाई सौधर्मिंद्र पंचकणक में क्या आनंद आया था? बहुत सारे लोग पछता रहे थे, मालूम क्या बोल रहे थे? अरे भैया बन जाते हम भी तो बन ही जाते, बोले ऐसा मौका छूट गया हमारे हाथ से। एक बार बन के देखो सौधर्मिंद्र, क्या आनंद आता है कक्का। कुबेर में आनंद आया तो मैं नहीं आया है? माता पिता बन गए कभी? एक बार सौधर्मिंद्र बन जाओ फिर तुम माता पिता बन जाना। पंच कल्याणक बनो तभी तो आनंद है, कहां तुम विकल्प कर रहे हो। एक बार बनो जम से फिर आनंद लूटो श्रेयांश भाई। पुण्य आत्मा नहीं बनते उसका विकल्प नहीं करो आप, काल लब्धि आएगी तुम भी सौधर्मिंद बनोगे। यहां पर 4th अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी अपना जल वगैरह ले लीजिए, जिनको जो करना हो। 5:15 बजे सहज सागरदीप प्रतिक्रमण कराएंगे, उसके बाद क्लास लगेगी, और सभी याद करके आना भगवान महावीर स्वामी की। कल 5वें अध्याय में अपन अजीव तत्व का व्याख्यान करेंगे।